गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह सुबह, हाय, सर्दियों में सुबह सुबह उठना कितना खलता है ना। बहुत सारी चीज़ें खलती हैं वैसे ज़िंदगी में। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी इस वक्त जो मैं न्यूज़ पे देख रही हूँ ना, वो मुझे नज़र आ रही है एक चीज़। लेकिन उससे पहले सुबह सुबह एक गंदी सी बात करने वाली हूँ। वो चूहे बड़े खल रहे हैं ना, अगर घर में चूहे हो जाएँ और वो फिर इधर से उधर से आ रहे हों और आपकी चीज़ें नुकसान पहुंचा के, बल्कि गंदगी फैलती है उनकी वजह से, तो वो कितने खल रहे हैं। और एक शख्स आपने देखा होगा यूट्यूब पे, जो 100 रुपये का एक चूहा मारता है, पकड़ता है। क्या नाम है उसका? उस्ताद कमर। हाँ, हाय हाय, 50 रुपये से शुरू हुआ था, यूट्यूब पे मशहूर हो गया, तो 100 रुपये ले रहा है अब चूहे मारने के। चलो, उसका मसला तो हल हुआ, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ज़िंदगी में खलती हैं। अब जैसे अगर आप किराएदार हैं, तो जो आपका मालिक मकान है, कुछ मालिक मकान ऐसे होते हैं जो हर चीज़ पे मीन मीख निकालते हैं। तुम लोग इतनी शोर मचाते हो, हम डिस्टर्ब होते हैं, तुम लोग पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, तुम लोग बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, तुम लोगों ने रंग ख़राब कर दिया है, कीलें बहुत ठोक के तस्वीरें लगा ली हैं, ये मत करो, वो मत करो, सफाई नहीं रखते, मेंटेन, मतलब लाइक बहुत चूचू चूचू होती। लेकिन किराएदार बर्दाश्त करता है, क्योंकि वो उस मालिक मकान के घर में रह रहा होता है, भले वो किराया भी दे रहा हो, लेकिन बर्दाश्त करनी पड़ती, खलती है उसकी बातें, लेकिन बर्दाश्त करते हैं। उसी तरह आप किसी ऑफिस पे काम करते हैं और आपके सीनियर स्टाफ या आपके बॉसेस जो हैं, कभी कभार वो जब आप पे बहुत गुस्सा करते हैं, चाहे आपकी गलती भी हो, खलती हैं उनकी बातें कुछ कुछ, है ना। मगर क्या करें, बर्दाश्त करते हैं। आप बिजली का बिल आ जाए, चाहे आपने बिजली इस्तेमाल की भी हो या नहीं भी की हो, खलती है। बिजली का बिल आता है, उस दिन मूड ऑफ हो जाता है, घर में एक अजीब सा हंगामा मच जाता है कि इतना बिजली का बिल आ गया, बड़ा खलता है ना। वैसे ऐसे और भी बहुत सारी बातें खलती हैं, बीवी को मियाँ की बातें खलती हैं, मियाँ को बीवी की बातें खलती हैं, मगर फिर भी वो उन सारी खलती हुई बातों के साथ बर्दाश्त करके एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। और यही नहीं, कभी कभार बच्चों को माँ बाप की बातें खलती हैं और माँ बाप को बच्चों की बातें खलती हैं। तो ये ज़िंदगी बहुत बेड ऑफ रोजेज नहीं है। आपको अपने ऊपर, अपने जज्बात पर काबू रखना पड़ता है, चाहे कोई भी बात खले। क्या हल है, क्या तरीक़ेकार है बातें खलती हैं अगर उनको बर्दाश्त करने का भी। मुझे ऐसा लगता है मियाँ बीवी के रिश्ते में तो ये है तरीक़ेकार, कि जब एक बोल रहा हो और आपको उसकी बात खल रही हो, तो उस वक्त आप चुप हो जाएं, और उसके बाद जब वो चुप हो जाए, वो अपना किथार्स कर ले, जिस जो जो बातें आपको खली हैं उसका जवाब ज़रा 2-4 दिन रुक कर देंगे अगर, तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। या अगर अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाना है, तो वो खलना बर्दाश्त करके आगे बढ़ जाएं, जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही हूँ। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और पूछेंगे हमारे सेलेब्रिटीज से कि अगर उनको ज़िंदगी में कोई कोई बातें खलती हैं या खलती रही हैं, तो उसका उन्होंने कोई हल तो निकाला होगा। क्या पता वो खलना और ये खलना सेम हो, और जो उन्होंने हल निकाला है वो आप भी निकाल लें। तो आइए, मुझे लगता है मेरा शो कोई हल निकालने की मशीन बन चुका है। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए किसको क्या खलता है। गुड मॉर्निंग, मैं तो नहीं खलती ना आपको, शुक्र अल्लाह। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे पास वो सेलेब्रिटीज हैं जो खुल के अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं और बहुत कुछ हम उनकी बातों से सीखते हैं। आज का टॉपिक बड़ा अजीब सा है ना, हर कोई नहीं बताता कि मुझे क्या खलता है, और ज़िंदगी के हर एज पे, हर स्टेज पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमें खलती है। लेकिन फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जब मैच्योर होने लगते हैं, तो हम उससे निजात हासिल कर लेते हैं। उस खलने से एक निजात हासिल करना ही ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ेकार है। आइए, आपकी मुलाकात बड़े दिनों बाद मेरी फेवरेट, आपकी फेवरेट, हमारी जानू नादिया जमील से कराते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो है ना जो आराम से बड़ो बड़ो करके सब बोल देती है, सो आज के प्रोग्राम में बड़ा सूट करती है ना। लेकिन आई डोंट नो, मैंने आपकी पर्सनालिटी में ना बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे जिससे मैं आपको जानती हूँ। बहुत सारे, मतलब लाइक स्टेजेस देखे हैं। बिल्कुल।
तो मुझे लगा कि आज का टॉपिक जो है ना वो आपकी बिल्कुल परफेक्ट बैठता है कि नादिया ने खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत बहुत है ना। सो नादिया के साथ साथ बड़े दिनों बाद आप मिल सकेंगे, क्योंकि अपना शो खुद कर रहे होते हैं तो कम कभी मिलते हैं, बिजी आदमी हो गए हैं। सो आई आस्क समो, हमने बराबर से कुदवा के बोला कि इधर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एक छलांग लगा दिया। ये अच्छा ब्लेम लगा दिया कि मैं अपना शो कर रहा हूं, दूसरों के शो में नहीं जा रहा। आप खुद मेरे शो में नहीं आ रही। अब रोज टीवी पे आऊं, हां नहीं फिर तुम्हारे शो पे भी आऊं तो लोगों को वॉमिटिंग हो जाएगी मुझे देख के। बिल्कुल पता है, इतने सालों से देख रहे हैं मुझे, ये खतरे का निदया से मेरे शो में नहीं आती। जिनसे मुझे अलग अलग जवाबों की तवक्को है, सो वो बड़ा मजेदार शो होने वाला। और चौथा जो है, हालांकि कहते हैं औरतों को ज्यादा टाइम लगता है मेकअप में, लेकिन इस दफा जो हमारे मेल सेलिब्रिटी है उनको सबसे ज्यादा टाइम क्यों लग गया मेकअप, ये क्या है? खुद देख के अंदाजा करेंगे फिर ये। अब आप देख के पता लगाएगा कि क्या उनके मेकअप के लिए इतना टाइम चाहिए होता है कि वो लेट पहुंचे। आइए जरा जानते हैं। अच्छा अभी शुरुआत करते हैं नादिया। पहला पहला हो गया, निदा को खुलता है जब गेस्ट टाइम पे नहीं आए। आई कैन इमेजिन, जायज बात, आई कैन इमेजिन, बिल्कुल। अच्छा शुक्र है कि अब तो ये सूरत हाल है कि तीन या चार गेस्ट होते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता था कि एक गेस्ट, एक जमाना ये था कि एक गेस्ट है और वो रश में फंस गया, रस्ते में फंस गया, मेकअप में फंसा हुआ है, मैं अकेले कितना बोलूंगी। yes. अब लाइव शो चल रहा है और मैं बोले जा रही हूँ, बकबक किए जा रही हूँ, फिर फोन कॉल ले ली। मतलब वो खलता था कि क्या करे बंदा, कंटेंट कैसे। और होस्टिंग में कभी कभार ये होता है कि अगर गेस्ट सही से रिस्पॉन्ड ना करो ना तो आप खुद ही गेस्ट होते हो और खुद ही होस्ट होते हो। yes. तो आप सवाल भी खुद कर रहे थे, जवाब भी खुद दे रहे थे, पूरा शो आपने खुद संभालना है। बिल्कुल, गेस्ट सिर्फ यस यस कर रहा होता है। चलिए जी, सबसे पहले आपका हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि नादिया को क्या खलता था या है। हस्बैंड का मेरे ड्रामास ना देख, ओह माय गॉड। अच्छा नहीं, वो देखते हैं सारे ड्रामे देखते हैं, ये जो अभी मेरा नया ड्रामा लगा है ना, लीस्ट इंटरेस्टेड। अच्छा, लीस्ट इंटरेस्टेड, इसमें मेरा रोल भी कम है शायद। अच्छा, लेकिन मुझे ये होता है कि देखें फिर भी मेहनत से इंसान बनाता है। हाँ, यू नो सो जाते हैं देखते देखते। अल्लाह, आजकल का कौन सा ड्रामा अली का फेवरेट ड्रामा रहा है? मेरा नहीं, हाँ अली को बहुत पसंद आया हो जिसमें आपने, जिसमें मैं हूँ। हाँ, बेहद है, बेहद बेहद। हाँ, उनको बड़ा पसंद था फवाद के साथ। अच्छा, सजल के साथ, शॉर्ट स्टोरी, बिल्कुल वो उनको बड़ा पसंद था। हाँ, सीरियल नहीं थी ना, आदमियों में इतनी पेशेंस नहीं होता, पेशेंस नहीं होता कि वो सीरियल नहीं, वो देखते हैं सारे सीरियल्स देखते हैं। क्रिटिसाइज करते हैं क्या? क्रिटिसाइज भी कर लेते हैं, मोटी लग रही हो, इस तरह लग रही हो, अच्छा अच्छी लग रही हो। मैं तो सुकून में होती हूँ, अगर मेरा मियां मेरी चीजें ना देखे ना तो मैं सुकून में, मुझे खले अगर वो देखे। लेकिन अच्छा है मुझे इसीलिए, आई बट दैट्स व्हाई आई लाइक इट ना, वो मुझे बताएंगे तो सही कैसा हुआ है, कैसा ये भी है, ये भी है। लेकिन इस वाले में पता नहीं वो क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहे, मैं काफी सैड हो जाती हूँ देख के। हाँ, कि आप नहीं, कि मैं इतने दिनों बाद दोबारा से एक्टिंग कर रही हूँ और आप देख रहे, या तो कोई भी ड्रामे ना देख रहे हैं, देख रहे हैं तो दो तीन ऐसे ड्रामे हैं जो वो काबुली पुलाव उनका बड़ा फेवरेट था, इश्क मुर्शिद उनका बड़ा फेवरेट चल रहा है, दो तीन और ड्रामे हैं जिनको बहुत पसंद है, तो इसलिए ये खलता है ना। तो क्या यूजुअली आप उनकी क्रिटिक को ट्रस्ट करती हैं? या तो इसका मतलब फिर दिस इज हिज वे ऑफ टेलिंग यू समथिंग। मतलब इनके हस्बैंड इनके इतने पुराने दोस्त हैं, कितने 14 साल की उम्र से, आई वाज 14 एंड आई वाज 15, तो फिर वो आई वाज 14, अब मैं 51 की हूं, सो इट्स अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग लाइफ ऑफ क्रिटिसिज्म। सुनिए, सिर्फ ये खलता है हस्बैंड की और कोई बात नहीं खलती 14 से लेकर अब तो लिस्ट अभी शुरू हुआ है, अभी चल शुरुआत ही, अब क्या जरा शो फॉर खत्म हो जाए। नहीं तो मेरे मुझे खलती थी, अब नहीं खलता कुछ। हाँ, अब क्या खलेगा, आदत हो जाती है ना अब तो चीजों, और अब हम दोनों बहुत चिल हो गए हैं ना। अच्छा एक मजे की बात ये बताए ना नादिया, कभी शुरू में कोई चीज खलती होगी उसको ओवरकम कैसे किया? एक्चुअली आज का शो तो है ही इसी से ना कि अब मुझे चीजें बहुत कम खलती हैं एक्चुअली जिंदगी में, बहुत पर्सनालिटी में ज्यादा ठहराव आगे काफी है ना, काफी। तो मुझे एक बात बताए ना, शुरू शुरू में क्या खलता था उनका, तौलिया फेंक देना या तौलिया फेंक देना? तो शायद उनको मेरा ज्यादा खलता होगा, लेकिन आई थिंक वो बहुत
वर्क करियर वर्क ओरिएंटेड है. अच्छा तो मुझे टाइम का ना देना बहुत बुरा लगता था. आप नहीं थी एम्बिशियस ज्यादा? मैं बिल्कुल एम्बिशियस कभी हुई नहीं, कभी भी नहीं रही. और या और फिर जो मेरा काम था यतीम खानों में बच्चों के साथ ये वो, उसमें वो कभी इन्वॉल्व नहीं हुए. उससे मुझे बड़ी चिढ़ती थी. अच्छा बहुत चीजें थी. हाँ. अब नहीं, क्योंकि अब मैंने सीखा है कि उनकी अपनी लाइफ है. शक्की मिजाज तो नहीं थी आप? नहीं, दोनों में से कोई शक्की मिजाज. हाँ. वो होता है ना कभी कभार बेगमात को हस्बैंड. नहीं नहीं, उनकी और उनकी सारी एक्स गर्लफ्रेंड, उनकी बहुत अच्छी सहेलियां भी हैं, दोस्तें हैं. हाँ वो चीज कभी कह रही हूँ जिस तरह की पता नहीं, लेकिन दो दिन जिनसे मैं मिली हूँ वो बहुत फ्रेंड्स हैं उनकी. नहीं नहीं, हम ये चीज नहीं खाली. तो वो जो चीजें वो एतबार अंधा है, वो खलना, वो आपने आपको कैसे आपने समझाया कि मैं क्यों खल रही हूँ, छोड़ो ये मेरा काम है ना ये सारा. देखिए खलने से ना, आप देखें एक तो ये चीज है, ये जो वजह किस चीज से, अभी चीजें हैं जो मुझे खलती हैं. हाँ. जैसे कि अगर कोई अगर वो अली बच्चों को कुछ कह दे, लड़कों को, नूर को तो वो कुछ कहते ही नहीं है. नूर तो खैर उनकी छोटी है ना अभी, और है भी उनकी जान. लड़कों के बाप बहुत कुछ कहते हैं, पता नहीं कि उनको टफ बनाने के लिए. उनको लड़कों को जब वो कुछ कहते हैं ना, मैं ज्यादा ही कुछ डिफेंसिव हो जाती हूँ. हाँ. लेकिन जो ये पहले बातें मुझे खलती थी कि ये टाइम नहीं देते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते, भाई अगर किसी वजह से ही नहीं दे रहे ना अपने. हाँ. काम में मसरूफ है. हाँ. और खलना इसलिए था क्योंकि मेरे पास इतना वेला टाइम क्यों नहीं, इतना वेला टाइम मेरे पास है कि मैं चिढ़ रही हूँ. तो फिर जब मैंने अपने आप को बिजी किया, फिर अपने आप को बिजी किया, और अगर मैं थोड़ी चिल्ड आउट हूँ, मैं इतनी एम्बिशियस नहीं हूँ, मेरी फ्रेंड्स हैं, मैं किताब पढ़ लूँ, मैं वो मेरा बेबी सिटर तो नहीं है ना. हाँ. मेरी इमोशनल नीड्स का बेबी सिटर वो क्यों हो. हाँ. तो जब मैंने ये फैसला कर लिया कि नादो की खुशी का ठेका नादो ने उठाया हुआ है. हाँ. अली ने तो नहीं उठाया. वाओ. फिर मैं चिल हो गई, क्योंकि फिर वो तवक्को नहीं रही कि मेरी खुशी का ठेका वो उठाया, मुझे टाइम देने का ठेका वो उठाए. नहीं, फिर एज फ्रेंड्स हैं हम तो. औरत समझ जाए ना अगर, तो जिंदगी आसान हो जाए यार. हम अपनी जिंदगियां कभी कभार खुद मुश्किल बना लेते हैं. yes. क्योंकि देखिए इंसान इतना कुछ कर रहा है, बिल्स भी दे रहा है, बच्चों को भी पढ़ा रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, ऊपर से आप ये भी तवक्को रखो भी मुझे ये टाइम चाहिए, मुझे वो चाहिए, मतलब आपकी नीडिनेस कब खत्म होगी. तो मेरी अपनी नीडिनेस मुझे खलने लग गई ना, कि मैं क्यों इतनी वो चिक 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 करने वाली बन गई हूँ. और फिर मेरे ख्याल में जो मैं रही हूँ ना वहाँ यूके अकेले, उससे भी मुझे अपने आप के साथ वक्त गुजारना मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया. अकेले रहना बहुत अच्छा लग गया. बच्चे दोनों नो वाली स्कूल में होता था 4-5 बजे तक. राखू तो यूनिवर्सिटी चला गया लंदन. तो मैं कैम्ब्रिज में अकेली होती थी घर में. तो बस मुझे अपने आप के साथ टाइम गुजारना अच्छा लगने वो प्रैक्टिस फिर इस तरह एक जिस चीज से आप खलती थी वो चीज आपने अपनी जिंदगी से ये हटा दी. बिल्कुल या जबरदस्त अच्छा आइडिया. चले भाई नेक्स्ट किसका खलना है नेक्स्ट? अयाज का जी तोहफे. अच्छा बीवी के अभी मियां बीवी. ओए ओए भाई एक मिशन होता है तोहफे खरीदना. मेरे लिए एक मिशन होता है. अच्छा मेरी अच्छा ये एक ब्लेसिंग भी है. हां मेरी वाइफ बेचारी हर मामले में अच्छी है, वो कभी नहीं मांगती मुझसे कुछ, मुझे पूछना पड़ता है कि कभी बर्थडे आ रही है या एनिवर्सरी आ रही है कुछ आ रहा है, तो मैं पूछता हूँ कि भाई क्या चाहिए. हाँ. क्योंकि मैं अपनी तरफ से ना अब जितने गिफ्ट्स हो सकते थे मैंने सब दे दिए, चाहे घड़ियाँ हो या एक्स वाई जेड परफ्यूम हो जो भी होता है. अब मुझे समझ नहीं आ रहा था तो अब मैं उससे पूछना कि भाई किसी चीज़ की ज़रूरत है, जो कुछ आप कहते हैं ना ब्राउजिंग करते हुए, अब तो इंस्टाग्राम जिंदाबाद. हाँ. तो 1000 चीज़ें नज़र से गुजर रही, तो मैंने कुछ भी चाहिए हो मुझे बता देना इसके लिए. हाँ. नहीं आपकी मर्जी. अरे मैं आप देना चाहते अली का भी ये मसला है और अली का और ये मेजॉरिटी मर्दों का मसला होता है. और मुझे ये लगता है कि अली को शायद मसला है ये भी है कि मैं उनको यू नो अब मेरे बजट में एक वो नहीं है कि मैं उनको एक BMW या रेंज रोवर खरीद के दे दूं बर्थडे पे. हाँ. और उनका और वो हैं एक मलंग टाइप ऐसे. हाँ. ये तो या ही लाइक्स द फाइनर थिंग्स इन लाइफ. यस या चिल में है वो. हाँ. कोई चीज कुछ नहीं चाहिए. हाँ. तो फिर मैं ये टेंशन में रहती हूं मैं इसको क्या दूं. बस ये उनका जवाब होता है कि पैसे क्यों जाया कर रही हो, अगर कोई चीज खरीद के ले आई ना
पैसे क्यों जाया कर रही है, मतलब कोई जरूरत है ये मुझे चीजें ना, ये चीज वाकई ये खलती है। मैं बेगम से पूछ पूछ के थक जाता हूं, मुझे कोई परफ्यूम चाहिए, कोई कपड़े चाहिए, कुछ भी चाहिए, अच्छा ज्वेलरी चाहिए। कभी ये ट्राई किया कि अपना क्रेडिट कार्ड दे दें कि जस्ट गो गेट व्हाटएवर यू वांट? ये रिस्की काम है, ये बहुत रिस्की काम है, ये नहीं करते। मुझे ये खलता है कि अगर मेरे मियां ने मुझे कोई तोहफा दे दिया, फॉर एग्जांपल अगर गोल्ड की कोई चीज दे दी है तो मैंने लॉकर में रख दी ना कि गुम ना जाए चोरी, मुझे ये खलता है कि वो बाकायदा इंक्वायर करता तुम पहनती क्यों नहीं हो, आइंदा तुम्हें गिफ्ट नहीं दूंगा, तुम पहनती नहीं हो। मैंने कहा भाई मैं गोल्ड कहाँ हर जगह पहन के चली जाऊँ, ज्वेलरी पहन के तो नहीं जा सकती। तो मुझे ये खलता है कि गिफ्ट दिया है और उसके बाद थानेदार की तरह इंस्पेक्शन होती है, तुमने तो पहना नहीं, तुमने तो अब वो घड़ी, मैं घड़ियां नॉर्मली नहीं पहनती, उसने मुझे गिफ्ट दे दी, मुझे उलझन होती है, मेरे को लगता है आगे से भेज देती है, पता है। मुझे ये खलता है कि एक तो ये गिफ्ट दे देता है लेकिन उसको पूरे साल ये पूरा टॉर्चर मुझे मिलता रहता है, तो क्यों नहीं पहना, क्यों नहीं पहना, क्यों नहीं पहना। मैं आइंदा अगले साल मैं तो यासू से पूछूंगी दिया ही क्यों, फिर देना ही छोड़ दे, तो ये यही तो अच्छा, है मुझे नहीं, 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 अगर ना दे, अगर ना दे वो बात खलेगी नहीं, बहुत इतनी उससे ज्यादा खलेगी, बस ये देखो ना, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, गिफ्ट्स तो चाहिए किसी हाल में ही नहीं खुश हो सकता। अच्छा मुझे पता है एक टेंशन ये होती है कि मुझे ये प्रॉब्लम मेरे अंदर भी है कि मैं जब किसी को गिफ्ट देता हूँ ना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उसको अच्छा लगे, और इस डर से कि यार उसको अच्छा नहीं लगेगा मैं नहीं देता, पता है ये बात है, ये एक डर होता है, और इसलिए बेगम को मैं खुद पूछ रहा था बता दूँ क्या चाहिए, बता दूँ, वो नहीं बताती भाई, मैं पूछ पूछ कर थक जाता हूँ, बिल्कुल जब जो बर्थडे या एनिवर्सरी की डेट करीब होती है ना फिर एक से दो दिन पहले बताती है, काम करे ये कर, इतने दिनों से पूछे थे पहले बता देती, इलेवंथ आवर में बता रही हूँ, अब तो टाइम नहीं है, लेकिन नहीं, बट आई एम श्योर यू मैनेज ना, इलेवंथ आवर में भी, हाँ जी भी, मे बी शी वांट्स टाइम इंस्टेड ऑफ थिंग्स, कोई बेटर ऑप्शन दिख जाए, होता है कभी कभार, मे बी एवरी टाइम शी इज थिंकिंग कि टाइम उसके लिए कि कोई बेहतर चीज दिख जाए, हां या 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 ये तुम्हारा टाइम चाहिए, मेरे साथ वक्त चाहिए, हो वो कह रही वो एक अच्छा तोहफा, ये आदमी को ये बातें थोड़ी समझ में आती है, वी आर टू प्रैक्टिकल, ये बातें नहीं समझ आती है, बात सही वैसे, हां इस एंगल से मैंने सोचा नहीं, अब यही बोल दो बहुत महंगा गिफ्ट है मुश्किल जी, अब देखते कि इनको शर्मीन को क्या खलता है, देखते हैं दुनिया वाले क्या कहेंगे। सीरियसली तुम्हें ये है, तुम्हें फिक्र है दुनिया वाले क्या नहीं, ये मुझे ये सेंटेंस खलता है, अच्छा मैं लोग क्या कहेंगे, ये क्योंकि मेरे घर में दिन और रात मैं ये सुन के बड़ी हुई हूँ अपनी अम्मी से, दुनिया वाले क्या कहेंगे, माई मदर लिव्स फॉर द वर्ल्ड, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, खानदान वाले क्या कहेंगे, दोस्त अहबाब क्या कहेंगे, और मैं अब डन हो चुकी हूँ, मैं कहती हूँ आई डोंट केयर दुनिया वाले क्या कहेंगे, मेरी जिंदगी है, मैं इस तरह उस तरह से स्पेंड करूंगी जैसे मुझे जीनी है। पता है जब इंसान मैच्योर होता है तो फिर वो कहता है मैं डन हो गई हूँ, अब मुझे वो करना है, सीरियसली अब मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन मैच्योर तो माशाल्लाह से मेरी अम्मी भी है, हम सबसे ज्यादा ही मैच्योर है, लेकिन अम्मी ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसी मसले में जो है गुजार दी कि ये नहीं कर सकते, क्योंकि वी हैव फाइव सिस्टर्स आल्सो, पांच बेटियां हैं, नहीं इस तरह से नहीं कर सकते, ये नहीं यहाँ नहीं जा सकते, इस तरह की परमिशन नहीं दे सकती, इधर नहीं पढ़ा सकती, दुनिया वाले क्या कहेंगे, अरे भाई दुनिया वाले तो कहेंगे रिगार्डलेस। की कब लाइक तुम्हारे अबू की कब कौन सी एज में थे तुम लोग जब वो उनका इंतकाल हुआ? अबू का तो अभी दो साल पहले इंतकाल हुआ, तीन साल पहले। अबू वाज ऑलवेज देयर बट फॉर हिज बिजनेस पर्पसेस ही यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, ओके, तो अबू यूज्ड टू बी इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द टाइम, तो हम यहाँ पे अम्मी के साथ होते हैं। यही रीजन है जब माँ बच्चों को माँ और बाप दोनों बन के पालती है ना, सो उसके ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है, बाप नहीं है, बाप बाहर वहाँ कमा रहा है, तो अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया, बेटियों का साथ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी अपने हस्बैंड को, सो उसके ऊपर प्रेशर और बर्डन ज़्यादा होता है। हमारा कल्चर कुछ ऐसा है, कल्चर है, आई एग्री बट अब्बू के आने के बाद भी, सबकी शादियों के बाद भी, सब शादीशुदा जिंदगियों में भी जब थे तो हमने दिन और रात तुम्हारी अम्मी की आदत डीप रूटेड, बहुत डीप रूटेड है हमारी जनरेशन में, जितनी भी अम्मियाँ हैं ना उन सबका रहा है, क्योंकि एक गैप रहा है हमारी, एक जनरेशन का गैप है। मेरी अम्मी नहीं थी ऐसी कि लोग क्या कहते हैं उस वक्त, आई गेस मेजॉरिटी, मैं तो आपको पता है मेरा, हां मेरे आई हैव नेवर केयर्ड, हाँ मेरी अम्मी भी नहीं थी ऐसे कि लोग क्या कहेंगे, इससे मुझे कभी असर पड़ा ही नहीं, क्योंकि लोग तो कहेंगे, बुरा कहते हैं उससे मेरा कोई असर नहीं पड़ता, लोग तारीफ ज्यादा करते हैं उससे मुझे कोई असर नहीं पड़ता, और पढ़ना भी नहीं चाहिए लेकिन, और मेरी अम्मी वो भी ऐसे थे कि उनको ये नहीं था, उनको बस ये था तमीज
में रहो, बड़ों को तमीज एहतराम करो। आई मीन अगर आपने अपने बच्चों को अच्छा ब्रॉटअप दिया है तो उनको अपनी लिमिट्स का बहुत अच्छी तरीके से खुद अंदाजा हो, लेकिन आप अपने आप को बिल्कुल क्रश कर दें, बिल्कुल बंद कर दें कि भाई दुनिया तो आप बुरखे में भी होंगे ना, तो फिर भी दे विल फाइंड समथिंग और द अदर टू टॉक अबाउट। तो आप आई फील दुनिया वालों को कभी खुश नहीं कर सकते, तो उनके मुताबिक जिंदगी गुजारना और अपनी जिंदगी को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज कर देना और खत्म कर देना इज अगेंस्ट माय मेंटालिटी। और दुनिया वालों को खुश करने के लिए इंसान क्यों जिए, क्योंकि आप जब तक आप अगर आप अपने आप को और अपने नफ्स को खुद मुतमईन नहीं रख सकते, आप किसी को खुश नहीं रख सकोगे। कितनी अच्छी बात है कि लाइक जब तक आप खुश नहीं होंगे ना, आपके इर्द गिर्द की दुनिया आपको नहीं अच्छी लगेगी। बिल्कुल, दुनिया को जो खुश करने निकलते हैं ना वो दुनिया को खुश कर पाते हैं ना अपने आप को कर पाते हैं, वो मिजरेबल होते हैं बहुत डीप डाउन। जो एयर होस्टेस नहीं कहती कि पहले ऑक्सीजन मास्क खुद लगाए फिर दूसरे को लगाए, बेसिकली वही वाली बात है, पहले खुद तो खुश हो फिर दूसरों को। फिर आप अपने आसपास के लोगों को, चाहे वो आपका शौहर हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके बहन भाई हों, माँ बाप हो, अगर आप अंदर से खुद खुश नहीं होंगे, अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं होंगे, तो आप दूसरों के लिए क्या कर पाएंगे। अब वो जो मेकअप में बहुत टाइम लगा रहे थे, मैं रिवील कर देती हूँ, सलमान सईद हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या चश्मा लगाया, मैं तो समझी वो फुल मेकअप हुआ हुआ होगा और चश्मा लगा के आगे देख। सॉरी सॉरी मैं लेट हो गया आज। मैंने कहा हम खाई में औरतें बदनाम है कि हम लोग लेट लेट होते हैं, आज तो हमारे मेकअप का कसूर नहीं है, मेकअप का कसूर नहीं है। मैं ये पूछने वाली थी, सलमान है ही लेट, ये जिंदगी में मेरा भाई लेट कभी टाइम इसके शो में एक दफा लेट हुआ था, दो दफा आपके आते हम लेट नहीं है, हम टाइम पर ब्रेक पे जाएंगे और फिर वापस आएंगे, फिर देखेंगे कि इनको क्या चीज खलती है। शुक्र है मेरे पास तीन गेस्ट थे इसलिए मुझे आपका लेट आना खला नहीं। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे सेलिब्रिटीज ये बता रहे हैं कि जिंदगी की कौन कौन से स्टेज पर उनको क्या क्या चीज़ें खली हैं और फिर कैसे ओवरकम किया है उन्होंने, कैसे मुकाबला किया उन सारी खलती हुई चीज़ों को, अपने आप से ऐसे 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 दूर भगा के कुछ ऐसी प्रैक्टिस की कि अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाया। सलमान आप सबसे एंड में आए हैं तो अब आपकी चीज़ से शुरू करते हैं, सलमान को क्या खलता है दिखाएं भाई। रोशनी डालेंगे जरा, लेट क्यों हो? तो मैंने सुबह सुबह बोल दिया कि वो, मैंने उसको रात को कहा था कि टी शर्ट इस्त्री करके रखना, तो मैं खुद इस्त्री करके लाया, तो सुबह मुझे थोड़ी सी बात खली, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो सुबह 6 बजे से उठी हुई थी आयरा के साथ, तो फिर वो अचानक उसकी आंख लग गई, इतनी मासूम लग रही थी सोती हुई, मैंने उसको नहीं उठाया। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही, आप जो है ना टॉपिक को अवॉइड कर रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूं, दोस्तों की स्नैप से क्या, व्हाट इज दोस्तों की स्नैप, आराम से मैनूवर कर लिया इस कॉन्टेक्स्ट है बता नहीं रही है। हां नहीं, अक्सर ऐसा होता है ना कि आप कहीं जाते हो, तो अगर मैंने उसको नहीं बताया कि मैं किधर हूं और दोस्तों की स्नैप से पकड़ लिया उसने कि आप कहां हैं, किसके साथ है, मैं इसके साथ हूं, तो इतने कोई उल्लू के पट्टे हैं, हर जगह जाके आजकल हर कोई स्नैप्स लगा देता है अपनी, खुद ही बताया था मैं क्या, तो उसको पता चल जाता है कि अच्छा तो आप इधर हैं, तो मैं काफी दफा शॉक में चले जाता हूं, इसको कैसे पता चला, तो कहती है मैंने उसकी स्नैप देख ली थी। ओहो, तो बता के जाया करो ना, और नहीं अगर स्नैप्स लगानी है तो फिर झूठ ना बोले, आप झूठ बोलते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं बोलता, इनको बेसिकली इनके कहने का मकसद ये था कि जो वाइफ दोस्तों की स्नैप्स देख लेती है वो मुझे खलती है, दोस्तों की स्नैप्स नहीं बोलता, जिस फिर वो फिर सवाल होते हैं जिस तरीके से आपने कहा है ना, ये लोग पहुंचे नहीं अभी, लेकिन मेरी बात जिस तरीके से आपने कहा है ना बिल्कुल नहीं बोलता, पकड़े गए तो मैं ही सेड इट लाइक हुमायूं एंड आई नो हुमायूं सो वेल एज वन ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड्स, पकड़े गए तो झूठ ना बोला करो, हमेशा पकड़े जाते, देखो नहीं मैं ऐसा कुछ करता ही नहीं, ये नहीं तो हमने ये शर्मिंदा लोग क्यों ना, हमने हुमायूं के बारे में तो कुछ नहीं कहा कि वो ऐसा कुछ करता है, तुमने कहा ये देखो देखो भाई ये शर्मिंदा लोग किसने कहा, नहीं वो जानती होंगी, मैं मुझे नहीं पता, नहीं नहीं वो भी वो तो कुछ करती नहीं है, लेकिन वो ये शर्मिंदा लोग फिर भी रहती है चेहरे पे, ये मैं कभी कभार देखें, एक चीज है आदमियों में, ये मैं माय हस्बैंड, ये मेरे बेटों में भी है, हाँ
कि जब वो कोई गलत काम करते हैं और पकड़े जाते हैं वो हंसने क्यों लग जाते हैं. ये देखो ये मेरे बेटे भी करते हैं. मैं कहती हूँ आपने ये काम किया और इतनी बड़ी स्माइल आ गई. मुझे लगता है कि औरतें ज्यादा अच्छी एक्ट्रेस होती है, वो फिर छुपा जाती है, पक्की होती है. आदमी आदमी नहीं छुपा पाते. अगर औरत पहचानने वाली हो तो एक ठंडी स्माइल आती है. कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो उन्होंने खिसियानी बिल्ला खंबा नोचे. बिल्ली नहीं जो यहाँ पे बिल्ला नोच रहे. पता है ये बहुत सही बात उन्होंने की है कि अक्सर ऐसा मैंने देखा है कि किसी फ्रेंड के मियाँ ने या किसी रिश्तेदार ने अपनी बीवी को बोला कि मैं तो हूँ ही नहीं या फिर मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ या तो मैं इधर पहुँचा नहीं हूँ, और फिर दो दिन बाद वहीं जहाँ पे नहीं जाना होता वहाँ की पिक्चर भी लगा देते हैं. yes. पकड़े जाते हैं, सच बोल देना चाहिए. They're not very smart that. yes. हर वो चीज़ बता रहा जो खुद नहीं कर रहा. अच्छा तो ये जो खलना है इसका कोई इलाज आपने अभी तक निकाला या अभी तक दरियाफ्त निकाला? ना खुद टी शर्ट इस्त्री करके आ गया. अच्छा ये मतलब बात को किधर से तो मुझे 10 मिनट लग गए उसमें. लेकिन बात कोई और है. बात ये है कि आपको जो वाइफ आपकी स्नैपचैट्स देख लेती है वो खलता है. तो टी-शर्ट हाँ, वाली बात देखती है फजूल में क्यों? फजूल लड़कों को, मेरे दोस्तों को, लोगों को फॉलो करती है. वो तो आपको पता है कि वो आपको ढूंढने के लिए फॉलो करती है. बीवी एक्चुअली मुझे फॉलो कर रही होती है. यस, बीवी बहुत बड़ी डिटेक्टिव होती है. हां नेचुरली, पता नहीं. चले इन्होंने अभी खलने का हल नहीं निकाला है. जब वो निकालेंगे तो अगले प्रोग्राम तक के लिए इंतजार फरमाइए. अब नेक्स्ट खलना चलते नादिया की तरफ. जी हस्बैंड मूवी, ये क्या बात है? आप देखें हस्बैंड खलता आपको मूवी देखते हुए सो जाते हैं? कोई बात है ना, वो ड्रामा देखते हुए सो जाते हैं. दूसरी दिखा दो नादिया की, कोई तीसरा खलना दिखा दो. अभी दूसरा खलना तो वो बता चुकी थी. ढूंढो जल्दी से कोई अपने बंचेस में से. मुझे एक चीज जो बच्चों को सलाम, बच्चों का सलाम ये अब ट्रेन हो गए हैं. लेकिन अगर ये होता था कि सलाम, अगर बच्चे कहीं हों, अंदर दाखिल कमरे में हों, या ये होगा दुकान में भी जा रहे हों और गार्ड खड़े होते हैं दरवाजों पे और वो सलाम अलैकुम ना करें ना. हाँ, हमेशा से खलता है, बहुत बुरा लगता था. और यहाँ तक कि मैं जब थोड़े ये बड़े हो गए थे ना, तो जलाल सांस में अल्फता जहाँ भी दुकान में जा रहे हैं और मैंने कहा आपने सलाम नहीं किया, बाहर गार्ड अगर खड़े हुए थे आपने सलाम नहीं किया, और इतना बड़ा हो गया, मैंने किया है बीबी माँ. मैंने कहा आपने नहीं किया, मैंने किया है बीबी माँ, मैंने किया. तो फिर मैं कहती हूँ वापस चलो सलाम करो. हाँ. तो मैंने कहा सॉरी इन्होंने आपको सलाम नहीं किया. कहते नहीं बीबी, इन्होंने मुझे सलाम किया है गुजरते हुए. बच्चे भी कह रही है मेंटल है औरत क्या है. अच्छा बच्चों को भी खलता था ये कि अम्मा बहुत ज़्यादा टोकरी होती है. बच्चे मेरे नादिया जमील के बच्चे हैं, वो एक इंतहाई साबिर बच्चे बन चुके हुए हैं. लेकिन खलता होगा उन्हें, वो क्या आप कह सके. कभी बोला है उन्होंने? हमारी आदत होती है ना बच्चों की भलाई के लिए. मेरे बड़े बेटे को एक बात खलती है, उसको खलती है कि भी माँ प्लीज अपनी सारी बातें जो है ना टीवी पे जाके बाबा है क्यों हर चीज आप बोल देती है. मेरे बच्चे भी बोलते हैं, हर चीज आप बोल देती है. कि मेरे बच्चे भी बोलते हैं खुदा के वास्ते अपनी ये टीवी पे आने वाले हर शख्स की कहानी है. मेरे घर वाले कहते हर चीज नहीं बताने की होती. आई स्वेयर टू यू, और मैं जितना चहकती हूं, मैं जितना हाइपर हूं, और मेरे तीन ये जो है ना, 21 साल का बेटा, एक 17 साल का बेटा और एक अली, तीनों की एनर्जी है तो सही है ना. कोई एक हाइपर है जो जिंदगी, और एक मैं हूं. शुक्र है अब नूर आई है मेरी जिंदगी में 3 साल की, जो तो दो हाइपर और दो हाइपर औरतें. और आप सोचिए अगर सब हाइपर होते तो क्या होता. तो बैलेंस इसी तरह कायम है ना. डूड्स हमारे फैमिली में बहुत चिल्ड आउट हैं, बहुत ज्यादा है. तो वही मतलब अगर मैं भी देखती हूँ आपकी जिंदगी में तो आप सारे भाई चिले और आपकी बेगमात हाइपर है. हाँ थोड़ी सी, लेकिन मेरी बातें भी वो लोग ज्यादा करते हैं, आप लोग चुप रहते हैं. मेरे साथ ही होती है हाइपर, लेकिन वैसे चल रहा है. जितने भी इनके खानदान के मैंने देखे हैं आदमी, सिर्फ आपके एक भाई हैं जो थोड़े से हाइपर लगते हैं मुझे, वो बोलने वाले आमिर. हाँ आमिर भाई. अच्छा वैसे जनरली यही होता है, मर्द हजरात जो होते हैं वो थोड़ा इजी गोइंग होते हैं. ऐसा नहीं है, नहीं ऐसे लोग देखे, आदमी हाइपर होते तो औरतें बट बैलेंस करना पड़ता है. आई एम सेइंग दैट आई एम एनर्जेटिक एंड आई टॉक अ लॉट बाय द वे. माय लेट मी टेल यू, my boys have that vadera type of gussa. I don't have that kind of anger. I'm well anymore. Hasenge mere pe. I don't have that kind of anger anymore. Haan. You used but, to. Oh my god. I used to be a hunda when I was younger. Main to jab to fir wo vadere wala gussa aapse aa gaya. Mere se. Haan. Ali is very chilled out. Haan.
मैं तो बहुत बहुत बदमाश होती क्योंकि अगर आप कपल्स भी देखें जिनकी शादी देर पा होती है तो उनके अंदर बड़ा बैलेंस ऐसे होता है टोटल एक गुस्से वाला है तो एक ठंडे मिजाज है टोटल एक बातूनी है तो दूसरा खामोश तो मतलब कभी कभार बंदे को होता है ये लोग क्या कैसे रहते होंगे लोग ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं दोनों एक जैसों का साथ रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है दोनों बिल्कुल हम बुढ़े होते जा रहे हैं ना आई एम बिकमिंग लाइक यू सेड ठहराओ आ गया है मेरे में बहुत ज़्यादा एंड अली इज़ बिकमिंग अभी उन जहाज पे पहले तो इमरान अशरफ मिल गया इमरान अशरफ से बेस्ट फ्रेंड बन चुका हुआ है फिर कोई और मिल गया बेस्ट फ्रेंड देन सिटिंग ऑन द ही बिकम्स फ्रेंड्स विद एवरीबॉडी टॉक्स टू एवरीबॉडी और ये चेंज आया है उनके एवरीबॉडी पहले वो खामोश थे ये एक वी रब्ड ऑफ ऑन ईच अदर जब ज्यादा आप एक एज गुजार लेते हैं ना तो एक दूसरे के ट्रेट्स आप उठा बिल्कुल लेते हैं। ये होता बिल्कुल है जो पहले बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मैंने इतना इनका मजाक उड़ाया ये गए लामास लामास वो है शॉप है लाहौर में अली अली जो मुझे हमेशा कहते हैं आप मेरे फजूल खर्ची ना क्या करेंगे ना क्या द अमाउंट ऑफ शॉपिंग अली डेड एट लामास यानी सो एक्साइटेड मुँह खिलावा ये देखो ये भी कोट भी लिया है ये भी लिया है ये ट्राउज़र भी लिया है ये शूज़ भी लिए हैं ये भी लिया है ये भी लिया है ये सब यहाँ लोकल बन रहा है एक्साइटमेंट लेवल एंड आई एम जस्ट लुकिंग एंड थिंकिंग अगर ये मैं होती ना इस वक्त हाँ जो आ चुकी होती 10 शॉपिंग बैग लेके आप आती थी आपकी शॉपिंग की आदत खलती थी आपके मियाँ को पहले जब आप बहुत ज़्यादा और वो आप जैसे होगा आपको खल रही है बहुत नहीं मुझे ये तो कुछ उल्टा हो गया मुझे खलती नहीं है हाँ एक दूसरे के रंग में रंग जाते हैं Enjoy करे लाइफ को मुझे एक्चुअली अब आज लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज नहीं खलती सवाए तकब्बुर के तकब्बुर जो है ना किसी में विच इज वाई यू नो आई लव यू आई लव यासिर आई लव हुमायूं बिकॉज देर इज नॉट वन ग्रेन ऑफ एरोगेंस ऑफ यू नो वो प्राइड या मैं इन इन दीज पीपल ये चीज मुझे ना और ये है भी पहला भी नहीं है बहन मेरे में तो कौन सी है आई थिंक ये नेचुरली होती है आपके खून में होता है ये चीज तकब्बुर नॉट नेसेसरी तकब्बुर मैंने बहुत लोगों को ओवरनाइट चेंज होते हुए देखा तकब्बुर दे वर्नट लाइक दैट टू बिगिन विद एंड देन ऑल ऑफ अ सडन समथिंग हैपेंड एंड दे ट्रांसफॉर्म्ड होता है तो ये एकदम से भी डेवलप हो सकती है ये चीज मुझे बहुत बुरी लगती है कि आप जब अपने आप को औरों से बेहतर समझो और क्योंकि हर एक इंसान फ़र्क है हर एक में कोई अच्छी चीज़ है कोई बिल्कुल प्रोज हैं कॉन्स हैं तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती ये चीज़ खलती पैसा बहुत आ जाता है या शोहरत बहुत मिल जाती है और आपको लगता है कि इतनी बड़ी चीज़ है कि आप किसी और से अच्छी तरीके से बात ना करो तो आई डोंट लाइक इसमें भी ना एक चीज़ है कुछ लोग होते हैं जिन्होंने वाकई कुछ अचीव किया होता है तो उनको ये थोड़ा सा तकब्बुर आ जाता है जिस दौर में हम रह रहे हैं ना अचीव किया होता है ना उसके पास तकब्बुर नहीं है कुछ लोग मैंने कहा कुछ मैं तो हैरान हूँ जिसके पास वो आ जाते हैं ना फॉलोअर्स उसमें तकब्बुर वो तो मैं उसी पर आ रहा था कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ अचीव कर लिया जिंदगी में तो आ गया और हम जिस जनरेशन में रह रहे हैं उनमें भी है जिनके पास जिन्होंने कुछ जिंदगी में ना 0% अचीवमेंट है उनकी बट अरेगंस उनकी ऐसी होती है कि आप कहते हैं कि भाई तूने क्या किया व्हाट फॉर नेचुरली होती है ना उनमें वैसे ही होती है कुछ लोगों में वैसे मैं बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू करती हूं तो जाहिर है मैं बहुत सारे लोगों से रोज मिलती हूं सो मैं कहती हूं जैसे लाइक बुशरा अंसारी है मतलब के टैलेंट का एक पहाड़ है पर इतनी डाउन टू अर्थ कल मैं यही बात कर रही थी अपने घर में तो मतलब के और भी बहुत सारे ऐसे उन जैसे नाम है सुल्ताना पर यस डाउन टू अर्थ तो वो ये देखकर हैरानगी होती है और उनसे उन लोगों से इंस्पिरेशन मिलती है हम खाली शोबिस की बात नहीं करेंगे अगर कोई किसी और ओहदे पे फायज है कोई गवर्नमेंट के ओहदे पे या कोई ऐसी बड़ी जगह पे फायज है और वो वहाँ जाके अपनी असलियत नहीं बोला है निदा मैं बहुत से रेगुलर लोगों को भी जानती हूँ जो कि इस इंडस्ट्री से नहीं है जो कि इतने ज़्यादा प्राउड हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर इंस्टेंस द मनी दैट दे हैव आई मीन फॉर गॉड्स सेक स्पेशली वो मनी जो आपको पास डाउन हुई है आपके फोर फादर्स से उसमें आपका क्या इनपुट है आपकी आपको क्या इसमें जो है कोई अप्रिशिएट नहीं कर सकता यू वर बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून इसमें इतना तकब्बुर या इतना प्राउड होना या इतना प्राइड रखना क्या है व्हेन आई थिंक अबाउट आई एम 51
Why are you repeating it? This is the third time. Again, I can't even tell you why. Because after post-cancer, now I'm so proud of the fact I'm married to 51. Mashallah. And I really own every day that I have and every year that I am. I'm genuinely so excited and proud that I made it and I'm making it. And I want to make it to 71, 81, you know. Inshallah. I tell you, you know, jitni bhi zindagi likhi hui hai, I've lived for half a century. And I'm telling you this. Nothing impresses me. I'm not impressed by your money. I'm not impressed by followers. I honestly could not care less on the amount of likes I get on my posts. I share because I love sharing. I share here, I share there. What impresses me are your actions. And what identifies you are your actions. Aapki shakhsiyat jo hai na, wo actually aapke amal hai. Ki aap kar kya rahe hain? Auron ke liye kya kar rahe hain? Kitni kindness phaila rahe hain? Is muashre ko auron ke liye कितना एक बेहतर जगह बना रहे हैं चाहे वो अपने घर में ही हो अपने मोहल्ले में ही हो लेकिन व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाट आर योर एक्शंस एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय काइंडनेस अगर तकब्बुर मेरा वो है ना जिस चीज़ से मैं बहुत खलती हूँ उसका ऑपोजिट ये है काइंडनेस और जो लोग काइंडनेस दिखाते हैं एहतराम दिखाते हैं जानवरों को पौधों को इंसानों को वो तो मेरा दिल यूं जीत जाता है तैयार होना इसको सारी वो बातें खल रही है जो आदमियों को प्रॉब्लम होती है कि देर से तैयार होती है कहानी तो सुन ले क्या अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी का रिकॉर्ड है अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अम्मी का नाम आने वाला है अच्छा हर शादी में एंट्री मारने वाली पहली खातून जो कार्ड पे टाइमिंग लिखी होती है उस हिसाब से अभी शायद 10 मिनट पहले दिस इज हेले भैया अभी केटरिंग वाले होने ना तो चादरें भी नहीं बिछाई होती अम्मी पहले पहुंच जाती है तो यहां अभी कुर्सियां लग रही होती है अम्मी कहती आए नहीं अच्छा मैं आ गई मेरी यहां लगा दो तो ये बात आपको खलती क्यों है भाई होता पता है कि कार्ड पे हमें पता है कराची में अगर 10 बजे का टाइम लिखा या 8 बजे का टाइम लिखता है वो 2 घंटे आपने ग्रेस टाइम दिया होता है 2 घंटे तो बहुत हो गया यार 2 घंटे ही होते हैं 8:30 पता नहीं क्यों कार्ड पे 8 बजे लिखते हैं लेकिन जाता हर कोई 10:30 है 8:30 पे मैं 8:30 पे ही तो फिर आप अम्मी वाली कैटेगरी में आ रही हैं अम्मी तो पहले ही पहुंच जाती है ना मैं ऑन द डॉट तो मुझे अम्मी से ये होता है कि अच्छा कार्ड पे लिखा हुआ है जैसे 8 ना तो मैं बेगम प्लान बनाते हैं यहाँ तक 9 तक निकलेंगे 9:30 पहुंच जाएंगे तब तक लोग जमा हो जाएंगे मैंने कहा सही है अम्मी 8:45 सब तैयार होके बैठ गई अब हम ना आराम से बैठे टीवी देख रहे हैं हमें कुछ भी नहीं अम्मी रेडी नहीं है अच्छा उसके बाद पता एक तो होता है अम्मी ने देख लिया कि अब तैयार नहीं है अम्मी को परिचय चाहिए अब जाके बैठ जाए आराम से जब उठेंगे तैयार हो जाएंगे अम्मी हर 5 मिनट में दरवाजा खोल के अभी देखिए तैयार क्यूट क्यूट माशाल्लाह और कितनी दफा ऐसा हुआ कि हम अम्मी करी हम लेट होगा लेट हो गए और लिटरली हॉल खाली पड़ा तो मेरे कोई हल नहीं हो सकता कोई नहीं निकला ना नहीं कोई इसका कोई हल नहीं निकल सकता ये अम्मा ही नहीं चेंज होती अम्मा को आप कैसे नहीं चेंज कर रहे हो चेंज करना भी नहीं चाहिए मैंने एक ट्रिक निकाल ली है अभी नहीं मुझे बतानी चाहिए गलत बताती होगी तुम अब अपनी अम्मी को बता दो अम्मी 10:30 नहीं नहीं अम्मी कार्ड पढ़ लेती है अम्मी कार्ड कार्ड को तुम पहन कार्ड बीच में से गायब कर दे फिर क्या निकाला है इसका एक बड़ा ना एक मर्दाना ट्रिक लड़ाई है मैं लंबे रास्ते से ले आता हूं लंबे रास्ते से घुमा फिरा के ये मैंने ऑनर बता दिया भाई उसको भी तेरा ही नुकसान है अगर कहीं से 15 मिनट में पहुंचना है लंबे रास्ते से ले जाके रास्ता ज्यादा तो आधा पौना घंटा 45 मिनट ओह माय गॉड और मैं लोग तो आ जाए यार इतना एंबैरसिंग लगता है अकेले बैठे हुए पराए की शादी में उसके घर वाले नहीं आए सबसे एक्साइटेड मेहमान ओह माय गॉड दिस इज हिलेरियस दिस इज सो सुपर क्यूट वैसे बहुत सारे घरों में जो बुजुर्ग है ना वो टाइम के पंक्चुअल हैं और फिर वो एक बात का आप कह दो ना कि वहां जाना है तो वो आप चाहे अपना इरादा मुलतवी कर लोगे कहीं जाने का मगर उनको होगा कि नहीं तुमने कहा है तो उसको पूरा करो मेरे अब्बू थे ऐसे कमिटेड होते थे यार फिर उनको लंबे रास्ते से भी नहीं ले जा सकते आपको तैयार ही होना होता अम्मी की अच्छी बात भी लगती है कि भले कोई दूर का रिश्तेदार क्यों ना हो अम्मी ऐसे ओन करी होती है उस शादी को या हमें ले जाने के लिए बहुत किसी करीबी मैं बताऊँ मेरे अब्बू भी मतलब जो सारे है ना मतलब इस उम्र के लोग उनको होता है रख रखाव यस जबरदस्ती करके हमें रिश्तेदारों के यहाँ लेके जाते थे चाहे हम सूंघ रहे हो सो रहे हो क्योंकि वो कहते थे चाहे कहीं भी पहुंच जाओ रिश्तेदारों को नहीं भूलना
ये अभी भी अम्मी कहती हैं, कराची गई हो फ्लां को मिलके आना, फ्लां को मिलके आना। हर शादी में घसीट घसीट के लेके गए हैं और इसीलिए हम सबको पहचानते हैं। भाई अम्मी का तो रिश्तेदारों से एक वो है ना कि अगर मैं कहीं पाकिस्तान से बाहर भी जा रहा हूँ, वहाँ पे अम्मी का रिश्तेदार रहता है और मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, भाई दोस्तों के साथ बंदा जाता है फन करने के लिए घूमने फिरने, अम्मी कहते हैं उस रिश्तेदार के घर जरूर जाना, उसको जरूर। मैंने कहा क्यों, अपनी छुट्टियाँ खराब हो ना, हर अम्मी का ये होता है कि उसके घर जा रहे हो। भाई मुझे आज तक याद है कि जब मैं इंडिया में काम कर रहा था तो अम्मी के ननियाल में से ना अम्मी के मामू वगैरह वहीं पे है, उनकी पूरी फैमिली अभी भी लाइक अराउंड 500 फैमिलीज हमारी इंडिया में हैं। 500? हाँ हाँ। तो जब मैं बॉम्बे में था तो वो मुझसे गुजरात से मिलने आए थे। ओके। और क्योंकि हम लोग सिक्योरिटी का हमारे प्रोटोकॉल था कि आप होटल से ज्यादा नहीं निकल सकते, बीइंग अ पाकिस्तानी बहुत रिस्क थे हमारे। प्लीज। तो अम्मी ने कहा स्पेशली जाके मिल के आना उनसे, तो फिर मुझे निकलना पड़ा। क्या करता, अम्मी ने कहा था, तो वो इस तरह की भी होते हैं कि आपको रिस्क भी लेना पड़ता है। यस यस एग्जैक्टली। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं कि हमारे सेलिब्रिटीज को और क्या क्या खलता है जिंदगी में और उसका हल उन्होंने क्या निकाला, ये आप सीखिए उनसे। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई आज के प्रोग्राम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, सिर्फ प्रोग्राम के दौरान नहीं बल्कि ब्रेक के दौरान इसमें भी, मतलब कोई आज का जो ये ढाई घंटा है ना, ये जो निशस्त है, ये निशस्त एक नेमत की तरह है माशाल्लाह। जल्दी जल्दी आया करो ना यार, ये जो नादिया जमील शो है। ओके जी, अब किसका हम खलना देख रहे हैं इस वक्त? शर्मीन तुम्हारा खलना मंथ एंड एक्सपेंसेस, महीने के एंड पे जो खर्चे आ जाते हैं और जो दिल की बात और जो अनफोर्सीन खर्चे आ जाते हैं कि ओहो भाई गाड़ी का जो है टायर फट गया। ओह माय गॉड, गाड़ी में बहुत तेज चलाती हूँ, फटते रहते हैं अक्सर, लेकिन मारती रहती हूँ मैं। कराची में तेज नहीं चला सकता। हाँ, तो वो रोड्स का तो हाल आपने देखा हुआ है हमारी क्या है, या फिर कोई बिजली का वायर शॉर्ट हो गया। ये छोटे छोटे भी अब जो खर्चे हैं अब छोटे नहीं रहे, महंगाई इस कयामत की हो चुकी है। कोई लंबा खर्चा आ गया या माइक्रोवेव खराब हो गया, कोई कुछ भी पता चलता है, लगता है कि छोटा सा जब आप वो उसको ठीक कराने के लिए निकलते हैं तो वो हजारों में। तो मंथ एंड मेरा जो चल रहा होता है ना, वो लिटरली सोच सोच के 100-200 रुपए का हिसाब करके भी मैं चला रही होती हूँ। तो उस पर जब ये 5-6-7-8 हजार रुपए के एक्स्ट्रा खर्चा, और मुझे लगता है कि ये हर महीने कुछ ना कुछ होना ही होना जरूरी होता है। जिस महीने ऐसा ना हो, मैं कहती हूँ बड़ा बड़ी बरकत होगी, बरकत वाला महीना गुजर गया, ये किसी की दुआ थी इस महीने जो नहीं हुआ। तो हाँ, ये अनफोर्सीन खर्चे मुझे बहुत बुरे लगते हैं, बहुत मुश्किल लग रहा होता है, समझ नहीं आ रहा होता है कहाँ से पैसे निकालूं, किस तरह से जोड़ूं। इसका कोई हल निकाला है तुमने? इसका हल मैंने ये निकाला है कि मैं महीना जैसे ही शुरू होता है ना, मैं रोज़ थोड़े थोड़े पैसे साइड पे करना शुरू कर देती हूँ। रोज़ 200-300 मैं अलग रखती रहती हूँ, बिकॉज आई नो टुवर्ड्स दी एंड वो इतना अमाउंट हो जाएगा कि पूरा टेक केयर ना भी कर सके प्रॉब्लम को तो हाफ तो सॉर्टेड होगा। गुड आइडिया, मैंने ये सेव किया। तो जब क्योंकि शुरू में व्हेन यू स्टार्ट योर मंथ एंड यू हैव यू नो द मनी इन योर हैंड, यू कैन स्पेयर 200-300 रुपीज एवरी डे। तो मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है छोटा सा मनी बॉक्स, उसमें मैं 200-300 जैसे होता ना, आप अपना नोट तोड़ पा रहे हैं 5,000 का 1,000 का, उसमें 200 बचे 300 बचे, वो मैं बॉक्स में डालती रहती हूँ। तो फिर जब ये एंड में एकदम से कोई ये बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, तो मैं बॉक्स निकालती हूँ तो 4-5 हजार रुपए मेरे इकट्ठे हुए, चलो आधा तो वो निकल जाता है। वो मैंने अब ये एक्सपीरियंस करके ये स्टार्ट किया। ये सीखे जरा, बॉम्ब वहाँ पे भी ब्लास्ट होते हैं। पाकिस्तान के बारे में कहता हूँ कि जो एक इंडेक्स लिस्ट आई थी दुनिया में सस्ते तरीन मुल्क जहाँ पे जिंदगी बहुत आराम से आप गुजार सकते हैं, पाकिस्तान नंबर 1 पर, इजिप्ट इज ऑन नंबर 2। मैं कहता हूँ सस्ते तरीन मुल्कों में पाकिस्तान नंबर 1 पर है, लेकिन यहाँ पे हमारा कल्चर ना दुनिया के महंगे तरीन मुल्कों वाला। क्यों? क्योंकि हमारा हमें बाहर जो गोरा जाता है ना अंग्रेज, वहाँ शादी में जाके लिफाफे नहीं देता है, सालगिरह पे लिफाफे नहीं देता है। क्यों? वो लोग भी देते होंगे, नहीं होता होंगे, तोहफे देते होंगे, गिफ्ट्स होते हैं, लेकिन वो उतनी तरह से सेलिब्रेट नहीं करते, वो हर चीज को सेलिब्रेट करते हैं। एक बात बताऊं, वहाँ पे किसको सेलिब्रेट करते हैं? या तो कोई आपका इमीडिएट हो या कोई आपका दोस्त हो। नहीं नहीं, सालगिरह वगैरह, अरे बच्चों के, उनके नानों के, उनके ददियालों के, उनके, वो नहीं होता ना वहाँ पे। ये अपना पर्सनल बता रहा है, दिल दुखा हुआ है।
ये वाली बात ये भुप्पी के नाना का चाची का पोती की शादी है उसको देना लिफाफा नहीं मैं आपको बताऊं जो सबसे बड़ा हमारा एक्सपेंस जो कि वहाँ पे नहीं है ठीक है हमारी लेबर चीप होगी लेकिन वहाँ पे लोग अपने काम खुद करते हैं जो मेड्स का कॉन्सेप्ट है ना बहुत रेयर है और वो बहुत अमीर लोगों में है वरना यूजली बीबी है मियाँ है घर में बच्चे सबने अपनी ड्यूटी बांधी भी होती हैं घर में कोई मेड नहीं आ रही होती क्लीनिंग के लिए डिश वॉशिंग के लिए लॉन्ड्री के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं बिल्कुल बस एंड अंडरग्राउंड ट्यूब्स में कहीं कहीं तो मैंने देखा है मेड भी एसयूवी में आ रही होती है वहाँ पे भाई मैं आपको बताई जर्मनी में सिस्टम ये था पढ़ाई का की एक स्कूल है जिसमें आप सारी टेक्निकल वाली एजुकेशन के जाते जिसमें बेबी सिटिंग कारपेंटर वगैरह वगैरह सारा इस तरह की चीजों का स्कूल है अलग बिल्कुल एक स्कूल है जिसमें आप अगर आप ज्यादा अच्छे पढ़ाई में तो आप डॉक्टर और प्रोफेशनल्स के लिए उनका सिस्टम ये था पढ़ाई का और जो बीच वाला स्कूल है वहाँ आप टीचर्स या मतलब लाइक वो दोनों चीजें आ सकती लेकिन टेक्निकल नॉलेज के लिए भी एक स्कूल था प्रॉपर एजुकेशन अगर किसी को पढ़ाई नहीं जहन में घुस रही है उसको स्किल में वो समझता है कि अच्छा हो सकता है उसका भी स्कूल है तो मैंने दुबई में एक बेबी सिटर को छुट्टियां मनाते हुए देखा था जो मेरा होटल पता नहीं कौन से में रुकी हुई थी वो मुझे मिली तो कहने लगी हाँ मैं वहाँ बेबी सिटिंग करती हूँ नहीं तो आपने वो देखा नहीं वो शो नेटफ्लिक्स पे था किस पे था सुपर नैनी जो द सुपर नैनी हाँ डॉग विस्परर सीजर द डॉग विस्परर द डॉग ट्रेनर्स आई मीन Everything you can make यहाँ तो आप babysitters की life वो नहीं देखते जो आप बाहर देखते हैं तो वो वाली चीज़ जी next खलना जी भाई सलमान आपका है next खलना भाइयों की clear बात ना करना मतलब भाइयों की clear बात ना करना क्या बता दिया मैंने रात को नींद में क्या क्या बता के चले गए उनको खुद लिया हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि अगर भाई से कोई सवाल किया वो सही जवाब मतलब डायरेक्ट जवाब नहीं 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 अगर तो? मेरे भाई को पीठ पीछे किसी ने कुछ बोल दिया मेरे बारे में ओ तो उसने वो सुन के यकीन कर लेगा ओ और फिर कभी मिला तो कभी पूछेगा अच्छा ऐसा हुआ था तुम उससे मिले थे अरे हाँ बस वो इतनी बात होगी अच्छा फिर मैं सोचूंगा फिर कोई बात निकली साल बाद फिर मैं सोचूंगा यार वो हाँ साल बाद पहले इन्होंने मुझसे पूछा था मैं जाके पूछता हूँ हाँ वो क्या बात थी वो ये तो नहीं थी तो डेढ़ दो साल लग जाते हैं उस बात को निकल के क्लियर होने में तो रिसेंटली एक चीज ऐसी हुई है जो कि बहुत ही खली मुझे और जो कि क्लियर होना चाहिए कि आपसे क्लियर नहीं करते हाँ हम सब में ये आदत है एक्चुअली शायद थोड़ा कम्युनिकेशन गैप है जो भी है व्हिच इज नॉट गुड यस अगर जैसे किसी ने कोई बिचिंग कर दिया कुछ बोल दिया पीठ पीछे किसी के बारे में तो उसी वक्त ना कॉल करके हाँ भाई क्या तुमने ऐसा बोला ऐसा होना चाहिए जैसे कल एक और बात हुई तो मैं फौरन पहुंच गया अपने एक दूसरे भाई के पास क्योंकि उससे रिलेटेड कोई बात हुई मैंने कहा तुमने बोला एक दिन में बहुत गुस्से में रहा उस पर तो कल मैं पहुंच गया नहीं मैंने तो नहीं बोला तुम्हें किसने बोला ये मैं भी उसको फोन लगा दूंगा नहीं बस बात क्लियर हो गई नहीं तो यही बात है दिल में नहीं बात रखनी दिल में आपको ये लगता है इस चीज का हल क्या है इस खलने का इसका हल ये है कि आप फौरन कॉल करके अगर कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए हाँ अगर ऐसा कुछ हुआ भी है अगर कुछ हो भी गया तो आपको पता तो चल जाएगा चलो मेरे भाई ने अगर ऐसा बोल दिया या उन्होंने कुछ बोल दिया तो फिर एक चमाट मार लो गाली कुछ तो भी कर दो पता तो हो बात ये है कि वो चीज बिल्डअप होती रहती है वो रिलेशनशिप खराब होता है ना लोग मजे लेते हैं इस चीज से चलो भाइयों फायदा उठाते हैं ये तो भाइयों वाला सीन है कुछ लोग जानबूझकर आपका मेंटल पीस खराब करने के लिए ना एक चीज बोल देते हैं यस वो जानते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं अगला से कहते हैं ना मुझे सब पता है क्या हो रहा है और क्या कर निकल जाए अगला जिसको कह के गया ना वो सोचते रह जाए मैंने की नींद हो गई यार और ये चीज मुझे इतनी डिस्टर्ब करती है मुझे नींद नहीं आती रातों को वो चीज मेरे दिमाग में चल रही होती है मैं सो नहीं पाता वो चीज मुझे डिस्टर्ब करती है गाड़ी चला रहा हूँ वो चीज मुझे डिस्टर्ब करेगी उन्होंने ये दिमाग में आएगी कि ऐसा हुआ है हाँ नहीं उसी वक्त कह देना मैं तो मुझे कोई कह देना मुझे दो तीन बार किसी ने कोशिश की है यू नो जॉइंट फैमिली में जब इंसान रहता है कि फलां इंसान फैमिली में तुम्हें अच्छा पसंद नहीं करता मैं जाके पूछ देती हूँ जाके तो आप मुझे पसंद नहीं करती ये बात सच है मैं बहुत अच्छी हूँ दोस्ती करते हैं कोशिश करते हैं मैंने कहा ही नहीं कुछ मैंने एक एक्टर से लेकिन दिल से बात निकाल देते हैं आपको पता है मुझे किसी ड्रामे में कास्ट किया गया ठीक है और मैं मजबूरी में कास्ट हुई क्योंकि वो जो हीरोइन थी वो 11th आर पे छोड़ के भाग गई और उनको उस वक्त मैं नजर आई तो मुझे चांस मिला एक अच्छा कैरेक्टर करने का जाहिर है उस वक्त मैं नई नई आई थी मगर मुझे सुनने में ये आया कि एक
बहुत सीनियर एक्टर उस ड्रामे में मौजूद थे जिन्होंने मेरी मतलब मुझे और लोगों ने बोला कानों में कि इन्होंने बहुत वो किया था कि नहीं 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 किया था कि भाई इसको नहीं इसको नहीं इसको मैं बहुत बेचैन क्योंकि मेरा उनके साथ बहुत काम था. फिर मैंने उनसे जाके पूछ लिया, मैंने कहा थी तो मैं बेवकूफ बॉम्बे थी उस वक्त नहीं नहीं थी. मैंने कहा मैंने आपको क्या बिगाड़ा है, इतना अच्छा मुझे कैरेक्टर मिल रहा था, प्लीज आप वो हक्का बक्का हो गए. नहीं नहीं वो असल में ये बस वो आए बाय शाये हो गए, लेकिन मैंने क्योंकि अपने दिल की बात कह दी तो मैं उनके साथ काम कर सकी. वरना मुझे ऐसा लगता है कभी कभार कह देने से आपका वो अंदर बोग्ज और वो जो आप किसी के लिए रख के बैठे हो तो वो निकल जाता है, सामने वाले का भी निकल जाता है, उसको पता चल जाता है. अगर सामने वाला फिर भी ना माने थोड़ा केयरफुल भी हो जाता है. अगर उसे बात की होती तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए केयरफुल हो जाता है कि मैं ये ऐसी बात ना करूं. नहीं कुछ लोग मानते भी नहीं है, फिर भी कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि किसी और एक्टर का हक नहीं है कि उस प्रोडक्शन में कौन होना चाहिए. नहीं वो तो वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर या वो होता है ना, कभी कभार मतलब किसी एक्टर का नहीं हक. लेकिन अच्छी बात ये है कि उस इंसान को पता है कि यू नो कि उनका क्या इंप्रेशन था. yes. सब कुछ सामने निकल गया. लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी उनसे बात नहीं खराब हुई, आज मेरे उनसे अच्छे तालुकात है. क्योंकि वो इमैच्योरिटी में मैंने पूछ लिया और मैं लेकिन ये मैच्योर हरकत की आपने. बिल्कुल, और जब कुड़ती रहती है इसने मेरे साथ यूं कर दिया वो इमैच्योर होता है. और जिस तरीके से इंसान पूछता है The way you ask is very important. Yes. Not लड़ाई नहीं है. फिर उनकी सोच भी उस वक्त बदल गई होगी, फिर उन्होंने ऐसा नहीं सोचा होगा. मैंने कहा मैंने क्या किया आपका, मैंने अगर मेरे अब्बू की वजह से आप नाराज है तो प्लीज मेरा तो कसूर नहीं है. कभी कभार ऐसा होता है जब आप नए होते हैं और आपका अब्बा या अम्मा इस फील्ड में होते हैं तो वो उनसे अब जैसे अगर हमारे बच्चे इस फील्ड में आएंगे और किस कोई हमें नहीं पसंद करता होगा तो उससे बुक्स निकालेंगे. तो वो ये चीज नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो अपना इम्प्रेशन खुद बना. अच्छा कितने लोग हैं जो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई में जो मर्द हजरात हैं कि लेडी ड्राइवर से खलते हैं? That's a question for both of you. Yes, और मुझे बहुत बुरा लगता है जो मेरे बराबर अगर कोई मर्द बैठा होता है और वो गुस्से में ये कहता है आंटी चला आगे वाली जो गाड़ी है ना. क्या मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई में जो मर्द हजरात हैं वो क्या उनको लेडी ड्राइवर से छिड़छिड़ती है कि लेडी ड्राइवर से खलती है लेडी ड्राइवर से? नहीं तो ये मिथ नहीं बोलो. नहीं नहीं आप लोग ये बिलीव करते हैं कि विमेन आर बैड ड्राइवर्स? नहीं नॉट रियली, नॉट रियली. और लेकिन अक्सर अमूमन ऐसा होता है कि कट से पता चल जाता है यार ये वो औरत हो गई आंटी है ना. नहीं मैं बताता हूं होता क्या है. कोई बात नहीं, लड़कियों में ड्राइविंग करते हुए एक डर होता है और वो डर कभी नहीं जाता. हर डर हर लड़की में नहीं होता. अरे भाई लड़की में नहीं होता ये ये ये. मेरी अम्मा मेरे साथ नहीं बैठती, मेजॉरिटी मेरी अम्मा मेरे साथ नहीं बैठती. और जो अली है जिन्होंने मुझे ड्राइविंग सिखाई थी बाय द वे जब मैं 16 साल की थी, लेकिन वो मेरी अब तो मैं वापस 9-10 साल बाद आई हूँ ना कैम्ब्रिज से, तो मेरी अपनी गाड़ी नहीं है मेरे पास. लेकिन जब मेरे पास मेरी अपनी गाड़ी थी, ठीक है, 23 साल पहले जब मेरे फादर इन लॉ ने मुझे गाड़ी ख़रीद के दी, वो गाड़ी मैंने उसी वो ही गाड़ी रखी अपने लिए क्योंकि वो जहाँ जहाँ से डेंट हुई हुई थी मुझे टेंशन नहीं होती थी क्योंकि मैं जिस तरह चलाती हूँ गाड़ी अमूमन डेंट कहीं ना कहीं पड़ ही जाएगा. तो मैं एतराफ खुद कमान नहीं नहीं मैं तो करती खुद एतराफ ही बयान दे तो और अगर आज मैं अपने बेटे की गाड़ी या अली की गाड़ी कहीं ले जाऊं तो उनकी ना वो उनको खलता है ये कि ये क्यों. मैं बहुत रैश ड्राइविंग करती हूँ. एक तो मैं थोड़ी नज़र की कमज़ोर हूँ बात है, जिस तरह मैं कट मारती हूँ जैसे कि मैं कोई फॉर्मूला 1 पे कट मार रही हूँ ना, ये नहीं देखना कि ये हमें पीछे से देखते पता चलता है ये खातून का कट है, ये होता है पता है अभी खुद के बात कर रहे हैं. और अली और मैं हम लोग ना रेस मारते थे जब हम 20s में थे ना, हम लोग रेस करते थे उस वक्त ना ये सड़कों पे. अब कितने बुढ़े हैं तो बा उस वक्त उन दिनों में ये ना सड़कों पे ईंटें लगी हुई होती थी सड़क उस वक्त हम घोड़े नहीं ना ये ना वो बीच में बनियान ही बनी होती ना सारी डिवाइडर नहीं होता डिवाइडर नहीं होता था ना वो बस वो घास सा होता था थोड़ा थोड़ा तो उधर निकल आते हैं तो कट मार के वन वे काट के दूसरी तरफ से मार के जो वन वे सारा उस शायद वो गलत आया है वो साइड में चला गया. जीतना मैंने है हर हाल में. तो मैं और अली जो है ना वो ही इज अ वेरी
केयरफुल ड्राइवर. तो सुने आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा? आपने क्वेश्चन पूछ के अपनी बताने के लिए और एंडोर्स कर दिए. और क्या, हम तो जरा बचा रहे हैं, तो चुप बैठे हुए बेचारे. अदालत ने केस लड़ने गए और अपने खिलाफ गवाही दे के आ गए. नहीं नहीं लेकिन नहीं, लेकिन वो सिर्फ अपनी बात कर रही है सब. तो मैंने ना जरा सा एक तमीज बांधी थी कि हाँ ये आदमी लोग बहुत हम वही चुप हो गए, हम दोनों चुप हो गए. हमने कहा कि चलो कहीं और चलते हैं भाई. आगे इसने कह दी मुझे जिद करना चाहिए. साइकोलॉजिकल मसला क्या है, लड़कियां आर नॉट मेंट टू बी स्ट्रीट स्मार्ट. ये लड़कों का ट्रेट है. और रोड पर आपको ना बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन बनाने होते हैं कि यूं मुड़ना, यहाँ जाना, ये लाइन पकड़नी है. लड़कियां ज्यादा ओवर थिंक करती हैं, तो जिसकी वजह से ना वो काफी देर तक सोचते थे कि यहाँ जाओ या वहाँ जाओ, पीछे लाइन लग जाती है. ये प्रॉब्लम. लेकिन एक जनरलाइजेशन है. क्योंकि मैं, मेरा ऑपोजिट है मसला. अगर मैं सोचती नहीं है, सोचती नहीं है. ये देख, ये दो एक्सट्रीम्स हैं हमारे पास, ठीक है. आप दोनों को बैलेंस करना होगा. गाड़ियों से निकल के कहीं और आओ, दिखाओ क्या है खल्ला अगला. बुरी एक्टिंग, नादिया जमील को बुरी एक्टिंग खलती है. और अगर कोई आपके सामने आ जाए जिसने आपको क्यूज भी देने हैं और वो बुरा एक्टर हो, फिर नादिया जमील क्या करेगी? वो ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. क्यों? मैं बहुत एहतियात से बहुत एहतियात से लेती हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं उन एक्टरों में से हूँ जो कि मैं खुद बहुत अच्छा. आई डोंट थिंक कि कोई बुरा एक्टर या अच्छा एक्टर होता है. आई थिंक बुरे परफॉर्मेंसेज होते हैं और अच्छे परफॉर्मेंसेज होते हैं. और मैंने भी बुरे परफॉर्मेंसेज किए हुए हैं. और मैं जितना एनर्जी लेती हूँ अपने सामने वाले जिनसे मैं इनके साथ काम करती हूँ, बिल्कुल एक्शन रिएक्शन बहुत बहुत ज़्यादा. मैं उन एक्टरों में से हूँ जो दीवार से या चीट नहीं कर सकती. मैं कर ही नहीं सकती चीट बिल्कुल भी. मतलब ये बहुत सारे मेरे कोस्टार्स हैं जो कहते हैं कि यार तुम ना दो बिल्कुल सही एक्टर हुई नहीं, क्योंकि मैं चीट कर ही नहीं सकती. मैं वो मेरी आंखें भेंगी हो जाती हैं वो ये ढूंढते हुए ना. आई नीड टू लुक इन योर आईज, अदरवाइज मैं वो मैं जो कैमरा मैन है ना उसका जो लेफ्ट शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर के दो इंच ऊपर देख ले, लेफ्ट शोल्डर पे मैं मुझे और कई कबार करना पड़ता है. यू नो कोई एक्टर नहीं आ सके या जो भी हो, करना पड़ता है. और मेरी बस, लेकिन देखते हुए मेरे ख्याल में या तो एक्टिंग इतनी बुरी हो, इतनी बुरी हो कि मजा आ जाए देखने का, कि बंदा कहे वाओ क्या अच्छी बुरी एक्टिंग की. मतलब कि ये यार ये नहीं, इसको ना रोको. अच्छा ये मैंने ये मैंने आगे देख रही हूं क्या करेगा, ये क्या करेगा. कैन आई आस्क यू क्वेश्चन, व्हाट इज बुरी एक्टिंग इन योर ओपिनियन? बिकॉज़ आई हैव सीन योर अ लॉट ऑफ योर वर्क एंड यू आर वेरी नेचुरल. तो बुरी एक्टिंग आपके हिसाब से क्या है? आजकल ये भी बहुत है. भी बहुत है. अगर मुझे मोहब्बत है तो मैं सांसें ले लेके क्यों बात करूंगा? मेरी आवाज, मैं तुमसे प्यार करता हूँ. उसको गलत बताया गया है. मतलब कि भाप 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 तो कौन बोलता है ऐसे? डायरेक्टर ने गलत ब्रीफ किया था उसको. कह रहे थे तुझे मोहब्बत है, लंग्स का भी प्रॉब्लम है. यही. और एक और मुझे बड़ी टेंशन होती है, बहुत टेंशन होती है देखते हुए. अच्छा ये लेडीज में होता है ज्यादा. मैं खड़ी होकर दिखा दूँ प्लीज प्लीज. अच्छा ये होता है. अब आपने एक सीन दिखाना है जिसमें आप ना बहुत मुझे, मैंने कहा है तुम्हें क्यों क्यों कह दूँ. अच्छा व्हाट इज हैपनिंग टू योर बॉडी? चिल, आई नो इमोशनल हो रही हैं आप, लेकिन आप प्लीज जस्ट चिल. वो पूरी बॉडी. और ये बड़ी बड़ी बॉलीवुड में भी आप देखेंगे ना, जब वो बहुत इमोशनल हो जाती है ना, कुछ कुछ अजीब सा वो डगमगाने से लग जाता है. किसी ने गरम तवे पे खड़ा कर दिया. एक यू नो वो, और एक जो हमें हमारा
एक हमारी बिचारी. अब आपने बिचारी बनना है, ठीक है, तो फुल मतलब ब्राइडल में आके बिचारी क्यों बन रही हैं आप? और बाल भी और लोल हुए हैं, बाल भी और हम भी हैं, किसी की पता नहीं डेथ है या किसी ने थप्पड़ भी मार दिया है और गश भी है, ये पूरा हुआ, लिपस्टिक लगी हुई है, बाल बने हैं, मेकअप क्या पूरा मेकअप पाउट में सब कुछ ऑन है. मतलब कि या तो आप उस वक्त कर लें चूज ना कि मैं ये कैरेक्टर कर रही हूँ या मैं हूँ खुद मैं हूँ. देखिए इसका कोई हल नहीं है इसलिए मैं ये यार सबसे अच्छा होता है सुबह सुबह जब उठती है ना सोने के सीन में उठती होती है अमेजिंग है फुल मेकअप किया होता है यार. और दूसरा दुखी हीरो जो जो बारिश में दुखी हीरो तड़प रहा होता है हीरोइन के वो घर के बाहर वो क्या क्या वो क्या वो मुझे मतलब एक एक खास तौर पे एक ही स्टार है जो अब पता नहीं मैं उनका नाम बिल्कुल नहीं लूं नहीं ब्रेक पे जा रही हूं वो ब्रेक रोक. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. हम वापस आ गए, दोबारा फॉर्म में आ जाए क्योंकि हम बड़े खुल्ले डुल्ले हो जाते हैं ब्रेक पे. सलमान को कह रही थी वो. हाँ ये बात दबा दो. ओके भाई, आप किसको क्या खलता है आइए स्क्रीन पे देखते हैं. देखें भाई अब्बू अखबार तुम्हें तुम्हारी अम्मा मम्मी अब्बू के पीछे क्यों पड़े बीवी सबकी चीजें. तो भाई मैं ये जेनेरिक चीजें है ना जिंदगी की, ये वो लोग जो माइंड नहीं करेंगे ना. मैं बताता हूँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मैं 6-7 साल की उम्र से मेरा डेली रिचुअल होता था अब्बा के साथ. स्कूल की पढ़ाई हो गई, ट्यूशन हो गया, सब कुछ हो गया, अब अखबार पढ़ के सुनाओ मुझे. जंग सुनाता था पहले, फिर डॉन सुनाता था मैं. उर्दू अखबार भी पढ़वाते थे. इसलिए तो होस्ट बने हो, दोनों लैंग्वेजेस अच्छी हैं. उर्दू भी पढ़वाते थे मुझसे, डॉन अखबार भी पढ़वाते थे. और मैं एक 6-7 साल की उम्र का बच्चा, ये मेरे साथ चला है 15-16 साल की उम्र तक. मैं रोज अखबार पढ़ के अब्बा को सुनाता था और मैं खलता था कि भाई मैं क्यों अखबार पढ़ रहा हूँ, मुझे क्यों पढ़वा रहे हैं. मुझे पता चला मेरे अब्बा मुझे अखबार क्यों पढ़ाते थे. उन्होंने उस तरह एक मेरे लिए उन्होंने एक टास्क रखा होता था, लेकिन वो इतनी बड़ी लर्निंग थी कि आज मुझसे कोई 1998 की बात कर रहा होता या 1999 की बात कर रहा तो मैं फौरन जाता हूँ अखबार की न्यूज पे, मुझे मैंने पढ़ी हुई वो. ओह माय गॉड. तो वो अब्बू ने ना सिर्फ मेरा IQ बढ़ाया, मेरी नॉलेज बढ़ाई, लैंग्वेज अच्छी हो जाती है, लैंग्वेज अच्छी हो गई, रीडिंग अच्छी हो गई. तुम होस्ट बन गए यार, ये इसका मतलब तुम्हारा क्रेडिट जो है तुम्हारे अब्बा को जाता है. ऑसम. ओ माय गॉड. लेकिन बच्चे को खल रहा होता है. हाँ. मेरा क्रिकेट मारा जा रहा है, मेरा वीडियो गेम मारा जा रहा है. यस. मैंने अखबार पढ़ रहा बैठ के अब्बा को सुनाना है. यार ये आइडिया अच्छा है, वैसे मैं कर सकती हूं बलाज के साथ. मैं भी ये सोच रही हूं. है ना, आप छोटी वाली के साथ कर. अब तो दो तो निकल गए हमारे बड़े. हाँ, अभी तो 3 साल की है, मैं करूंगी आगे. 4-5 साल सुनाओ डॉन मुझे. वो इंस्टाग्राम सुनाएंगे आपको. इंस्टाग्राम बिल्कुल सही. होता ये था कि फिर मुझे मैं ना शुरू में क्या, अच्छा 10 साल की उम्र तक तो मुझे इतना वो नहीं था, वो एज ए रीडिंग असाइनमेंट मेरा होता था. हाँ. लेकिन 10 साल के बाद क्योंकि आपको ना अवेयरनेस आना शुरू हो जाती है सोसाइटी की, तो वो जो न्यूज़ या कोई जो एक रेलिवेंट टॉपिक होता है ना, मैं उसको टैली करता था कि यार एक हफ्ते पहले ये हुआ था. जैसे CTVT जब एटॉमिक हमने ब्लास्ट किया था. भाई कोई बहुत इंटेलिजेंट बात मत कर देना, मैं फिर फंस ना जाऊं. हाँ. नहीं, फॉर्मूला 1 की बात नहीं. मैं देख लो जरा कन्नियों से निकल जाओ. आप फिर हाँ हाँ करती रहे, बच जाएंगी. ओ यस. तो फिर जब हमने एटॉमिक ब्लास्ट किया था उसके बाद एक CTVT वाला चला था कि हम पे पाकिस्तान के ऊपर फोर्स एक इन्फोर्स किया जाता है CTVT पे अपनी दस्तखत करने, तो पूरी न्यूज़ मैंने टैली की हुई थी. तो अभी कुछ दिन पहले कहीं से वो स्टार्ट हुआ था कि हमारे तो जो एटॉमिक प्लांट है उसके ऊपर नजरें ये वो, तो मैंने कहा अभी से थोड़ी भाई वो तो जब हमने कहा था उसके अगले साल की बात से होगी तो यू अंकल मुझे देख रहे हैं आपको कैसे पता. हाँ. मैंने उसमें अखबार पढ़ा था. यार आइडिया कितना मजे का है. ये आपका बच्चे की एक तो रीडिंग स्किल्स, उसको नॉलेज और हो क्या रहा दुनिया में. हाँ. और उसकी रिटेनिंग पावर कितनी बढ़ाई होगी आपकी. है वेरी गुड. लाएं भाई, बहुत ही इसका क्या खलना है अब दिखाएं. बेटी का मूड ऑफ. यार मैं बहुत परेशान हो रही हूँ क्योंकि शी इज जस्ट टर्नड अ टीनेजर और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या है. मतलब मैं एक मिनट
हम हंस रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है, बातचीत करके मैं कमरे से बाहर निकली हूँ, 5 मिनट बाद मुझे कुछ ख्याल आया, बात करने गई, बात ही नहीं कर रही, नॉट लुकिंग एट मी, डजंट वांट टू लुक एट मी. अरे भाई क्या हुआ है, हुआ क्या है, प्लीज़ बता दो क्या हुआ है. नहीं, आई डोंट नो. नहीं ना, कुछ भी नहीं हुआ. व्हाई आर यू आस्किंग मी दिस, व्हाई डू यू. तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे, ये टीनेज मूड स्विंग्स हैं बिकॉज ऑफ टीनेजर्स, एकदम से इतना इतना डिफिकल्ट एज. अगर माँ से पूछा जाए कि वो जो पैदा हुआ हुआ बच्चा है या वो चलने वाला बच्चा है, सबसे मुश्किल एज टीन्स. आपको समझ नहीं आता आप कैसे हैंडल करें. आप इस एज पर गुस्सा भी नहीं कर सकते. गुस्सा तो वो रिलेट ही नहीं कर सकते ना गुस्से से, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं. अरे कुछ नहीं हुआ तो तमीज से, सीधी तरह तमीज तो करनी, लेकिन सीधे वो बात क्यों नहीं कर रहे. मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता है जब आपको माँ बनने से पहले, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आप कोर्सेस करते हैं, अच्छा बच्चे कैसे उठाना है, ये कैसे वो समझाया जाता है. मुझे लगता है इसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर आपका बच्चा टीनेज में जाने वाला है, उससे पहले भी थोड़ी तैयारी पेरेंट्स को करानी चाहिए. आई थिंक क्योंकि पेरेंट्स को नहीं हैंडल करना. आई थिंक व्हाट्स अ गुड वे टू डील विद अ टीनेजर. सो आई बिकेम अ लाइफ कोच, यू नो, सिंस आई आफ्टर माय एनएलपी प्रैक्टिशनर मास्टर्स किया, ये वो एम्ब्रेनिंग कोच बनी. मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो टीनेजर हैं. मुझे काफ़ी कुछ समझ में आया है कोचिंग उनसे बात करने के बाद, उनसे बात, उनकी बातें सुनने के बाद, और मुझे अब अपने टीनेजर्स के बारे में काफ़ी समझ आ गया है. और मुझे एहसास हुआ है, एक तो गिव देम स्पेस, गिव देम देयर स्पेस. उनके दिमाग में और उनकी ज़िंदगी में इतना कुछ चल रहा है इसकी वजह से. नादिया एक बात बताएं, यही वो एज है जिसमें वो बन जाएंगे या बिगड़ जाएंगे. अब अगर इसमें स्पेस दे दी और वो किसी ऐसा रास्ते पे चले तो वो ज्यादा स्पेस ना हो जाए. फिर मतलब पेरेंट्स को लिमिटेशंस नहीं पता कि कितनी स्पेस देनी है और कितनी नहीं देनी. गिव देम देयर स्पेस टू हैव देयर मूड्स, गिव देम देयर स्पेस टू बी ऑन देयर ओन इन देयर, उनको गलती करने दें. लेकिन आई थिंक जहाँ हमारी बाउंड्रीज आती हैं, एक तो उनके दोस्त कौन है. यस, ठीक है. और ये टीनेज से पहले आप पकड़े कि दोस्त बन कौन रहे हैं. दोस्त कौन है, अच्छा चलो बन गए हैं दोस्त, टीनेजर्स हैं, वापस आने का घर का क्या टाइम है, किसके घर गए हो, कितनी देर के लिए गए हो. एंड दूसरी चीज़ मेरे ख्याल में जहाँ आपकी कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए, एक तो जहाँ पे सब्सटेंसेस ली जा रही हैं, किसी भी किस्म का नशा किया जा रहा है. कैसे पता चलेगा ये उधर, आजकल स्कूल्स में बहुत है ये चीज, उधर कैसे पता चलेगा. देखिए आप कह रही हो स्पेस भी दें और नजर भी रखें, स्पेस और स्पेस घर में दें. हाँ, घर में अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका बच्चा घर में है और इज इन एन ऑड मूड, उनको अपने कमरे में उनका स्पेस देने, लीव देम बी, लेट देम बी. उनको दे डोंट हैव टू टेल यू हाउ दे आर फीलिंग एंड यू डोंट हैव टू हियर इट फ्रॉम देम. ज़रूरी ये है कि उसको पता हो कि जो भी मैं बात करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, अम्मी है मेरे लिए. तो ये जाके कह देना कि अगर आपने मुझसे बात करनी है, मैं हूँ, या एनीथिंग यू वांट टॉक अबाउट, आई नो व्हाटएवर इट इज, लेट मी नो, आई एम हियर. ठीक है, दे शुड नो मामा है, मेरी नेस्ट है, मेरा सेफ स्पेस है वहाँ पे. और मैं ना जज हूँगी ना मुझे, माए होती हैं लेकिन बाप नहीं होते. वो क्या करें, बच्चे बाप से नहीं बात करते और फिर अच्छा, माए भी. मैं क्या बताऊँ, हाँ. इस मामले में ना मेरे अब्बू का ये था कि अब्बू ने ना दोस्ती कर ली थी मुझसे. हाँ. ये बड़ा जरूरी था क्योंकि हम माँ माँ के डिस्कस करते हैं, बाप का बेटों के साथ, बेटों के साथ बाप का होना और बाप की दोस्ती होना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्योंकि देखिए एक साइकोलॉजिकली 7 साल की उम्र तक बच्चा जो है ना उसका जो मेन सब कुछ होता है ना माँ होती है. उसके बाद बच्चा थोड़ा थोड़ा अपनी आइडेंटिटी माँ से अलग, लड़का यू नो अपनी मर्दानगी को शेप करने के लिए मेल मेंटोर्स ढूंढता है. यस, 13 के बाद द टीनेज ईयर्स बाप की और बेटे की दोस्ती होना, बाप को उसको जरा सा गाइड करना बेस्ट है. और अगर बाप के साथ वो दोस्ती नहीं है तो कहीं और मेल मेंटोर्स ढूंढो. और कुछ ना हो, यू नो, और कुछ ना हो. आई नो दैट आई हैव वन ऑफ माई क्लाइंट्स जिसने सिंगल मदर का बेटा है,
जिसने पॉडकास्ट देना शुरू देखना शुरू कर ली. और एक आदमी है खासतौर पर, माई सन एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड मी टू दैट पॉडकास्ट, ह्यूबमन लैब, ब्रिलियंट ब्रिलियंट पॉडकास्ट. और आजकल की जो लर्निंग है ना, मेरा जो बेटा है 17 साल का, जो वो मेरा मतलब बेटे, मेरे बच्चे खैर मुझे तो सारे जीनियस लगते हैं, लेकिन उसने मुझे बहुत इंट्रोड्यूस किया. आजकल के बच्चे स्कूल से ज़्यादा YouTube पे और Spotify पे जो ये पॉडकास्ट आती है ना, उनसे ज़्यादा सीखते हैं. तो ये ह्यूबमन लैब, डायरी ऑफ अ सीईओ, ये बहुत मोटिवेशनल चीज़ें यंग मैन. और दिस मैन ह्यूबमन बिकेम अ मेंटोर फॉर माई क्लाइंट. He became an inspiration and a mentor. Or who, you know, he just started listening to him and sending me his. Sena, आप भी relate करेगी. Back then हम FM सुना करते थे. FM shows में इस तरह की हमें motivation मिलती थी. बिल्कुल. Shows आते थे. आपको याद है वो? But कुछ ऐसे जो बातें करते रहते थे. अच्छा वो शुरू में जो morning show करते थे. Yes. क्या नाम है उनका जिनका मुश्किल था नाम है जी, मुझे याद है जब हम छोटे होते थे हम उनकी बातें सुनते थे. और उस जमाने में यूट्यूबर्स नहीं होते थे तो हमें कितनी एक सर्टन एज पे हमें कितनी मजे की बातें लग रही होती और हमें समझ आ रही होती. बिल्कुल मैटर मौजूद था, मीडियम डिफरेंट था. मेंटोरशिप बहुत अच्छी. और मुनीबा मजारी फॉर एग्जांपल, यस, जब उनका उनकी जो ये गोलकास्ट की है, उनकी जो ये टॉक है, मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को फॉरवर्ड किया जो यंग गर्ल्स हैं. एंड ये एक माँ प्रोफाइल आ रहा है सीधी, माँ का माँ का कहना ना, माँ से, क्योंकि बच्चा 24 घंटे इंस्ट्रक्शन सुन रहा होता है, उस तरह बैठो, यूँ करो, यूँ खाओ, बचपन से इंस्ट्रक्शन सुन रहा है. तो वो चीज़ जो माँ से आ रही है या बाप से यू नो सुनना पड़ रहा हो, कभी कभार वो नहीं खटकती. और बाहर से अगर कोई बंदा आके गाए वो समझ आ जाती है, वो समझ आ जाती है. बात सही है, मतलब कभी कभार अम्मा अब्बा की बातें खल रही होती हैं कि क्या, लेकिन कोई और आके बता, ये एक और इंस्ट्रक्शन आ गया है बस. एक और. अब मैं एज अ लाइफ कोच इतनी सक्सेसफुल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वही बात जब मैं अपने टीनेज बेटों को कहती हूँ ना, वो एक कान से आती है और यहाँ. हाँ, क्योंकि अम्मा को तो काम ही है ना कहना. उनका मेरा क्या है, मुझे इस बात, ये अनदर खल खलना, मतलब इसका ये मतलब है व्हाटएवर या जी नहीं, लेकिन क्या कह रहे हैं आज नादिया. एक सर्टेन एज पे मुझे मेरी अम्मी की बातें खलती थी, लेकिन अब जब मैं खुद माँ बनी हूँ और अम्मी अब नहीं है, तो मुझे मेरे बच्चों के ऊपर क्या करना है, मैं फ्लैशबैक में जाके वही बातें जिसपे मैं खलती थी, मैं कहती हूँ ओ माय गॉड ये तो वो मुझे बता गई कि मुझे करना क्या है. लेकिन पता है उस जमाने का जो पेरेंटिंग टेक्निक्स थी वो अब आप यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते यार, वो बिल्कुल अपग्रेड हो गई है. अपग्रेड कर सकते हैं, बेस वही है. क्योंकि मैंने जो अपने टाइम पे फील किया कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था या मेरे साथ मुझे इस तरह से नहीं ये रिस्ट्रिक्शन, वो मैं आई मेक श्योर कि मैं अपनी बेटी पे ना अप्लाई करूँ, क्योंकि मैंने एज अ चाइल्ड सफर किया था. मिक्स करें, क्योंकि ये जो एक मॉडर्न सोच है कि बच्चों का दोस्त होना चाहिए, इतनी भी दोस्ती आप ना करें कि आपके वो हदें ना, थोड़ा डर तो बरकरार रहे, बाउंड्रीज बहुत जरूरी हैं और रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है. उस तरह से मैं ओल्ड स्कूल हूँ कि आप एक हद से नहीं गुजर सकते. जब मैंने एक बात कही है कि आपने करनी है या आपने, अब राके 21 साल का हो गया है, अब मैं अली को कहती हूँ कि उसको लेट हिम मेक हिज मिस्टेक्स, यू नो लेट हिम मेक हिज मिस्टेक्स. हम उसको ज़्यादा ओवर गाइड अगर करते रहेंगे तो इसी से तो लर्न करेगा बच्चा जब वो गलती करेगा. बिल्कुल, हमने भी तो गलतियां की हैं. अब हम कैसे बच्चे को ओवरशैडो करेंगे, नहीं नहीं उसको कुछ और गलतियां ही सबसे ज्यादा सिखाती हैं, बेस्ट चीज है. बिल्कुल, गलती के अलावा आप नहीं सीख सकते. बिल्कुल बेस्ट. तो बच्चों हम तो कहेंगे जो कहना है, खलती है तो खले, इसका कोई हल नहीं. यस, करो गलती, तुम गलतियां करते रहो और खुद ही सीखते रहो. हम तो कहेंगे, हम नहीं रुकने वाले. जी नेक्स्ट खलना, सलमान का खलना है गैस शॉर्टेज, बाहर का खाना खाना पड़ता है, इस पर पूरा पाकिस्तान खल रहा है भाई. इसलिए मैंने बिजली का चूल्हा ले लिया है छोटा, तो वो बिजली का बिल पड़ जाएगा. बिजली का बिल तो होगा, लेकिन अभी गैस का, गैस की शॉर्टेज नहीं होगी ना. देखो बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग
क्या खल रहा है पहले उसको तो पूछे हम. हाँ भाई सलमान तुम्हें क्या खल रहा है बोल लो तो बता देंगे. कम बोलता है ना मैं इसको बुलवाना पड़ता है इसलिए. मैं बताऊंगी सलमान यार अक्सर ये होता है. अच्छा बीच में सुना था कि वो 10 से 10 की होती है गैस लेकिन अब वो भी नहीं होता. कभी आप सुबह नाश्ते के लिए उठते हो 8 बजे गैस नहीं होती है या 12 बजे चाय बनानी पड़ती है. एग्जैक्टली यही होता है कि चाय नहीं होती तो मुझे वो भी बाहर से कभी कोई दोस्त आ गया कोई आ गया तो बाहर से मंगवानी पड़ती है. मेरा इतना दिल करता है कि मैं घर के खाने खाऊं लेकिन आई थिंक हफ्ते में 3 से 4 दफा बीवी बहुत खुश हो जाती है मेरी इस बात से लेकिन बाहर के खाने खाने पड़ते हैं. ये बहुत गुस्सा वो मुझे रखा था लेकिन मुझे डर लगता है वो ही ना ये छोटी बेटी है फिर मुझे बहुत डर लगता है कुछ भी यू नेवर नो कभी भी. इसीलिए मैंने भी अब तक नहीं लिया और मैं सफर कर रही हूं. मैंने भी नहीं लिया और रोज सुबह सीरियल खा के जा रहा है मेरा बेटा. हमारे खाने हैं भी ऐसे कि जो देर तक चूल्हे पे रहते हैं. जब आपने सालन जब गैस सही नहीं आ रही होती तो सालन नहीं. जब तक पालक काले रंग का नहीं होता हमारे पक्का रहता कि घर पालक भी काला भाई पक गया होगा भाई पक गया पालक भी काला यार. हम सब्जियों का जो हाल करते हैं ना और अगर ये दुनिया देख ले इट्स सो ट्रू कोई ताकत नहीं रहती उस सब्जी में कुछ नहीं होता. ये फिर कहते हैं कि ऑलिव ऑयल में बना ऑलिव ऑयल में बना. मैंने पहली दफा जब पालक खाई बाहर तो मैंने कहा नहीं नहीं ये तो कच्ची है ये तो वो है ही नहीं तो कच्चापन आ रहा है इसमें. भूना नहीं भूना नहीं. एक और देसीपन जो बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगती है बहुत मुझे मजे की चीज लगती है. खाने पे जाएंगे ना तो बाहर जाएंगे देसी फैमिली जाती है बिरयानी आती है कढ़ाई आती है जो देसी घी में पकी हुई कढ़ाई आती है साथ में कुछ मीठा भी आ जाता है पराठे भी ले आओ वो मसाले वाले नान भी ले आओ लेकिन पेप्सी डाइट की लेके गोल्डन डाइट नहीं लेकिन ये दिस इज व्हाई ये तो देसी ये तो नहीं है. आप अमेरिका में पिज्जा खाने जाए वहां पे भी डाइट कोक डाइट कोक के साथ. अच्छा मैं समझी दिस इज अ देसी टच है. नो ये मुझे इस कांसेप्ट आपको बताते हैं ये दुनिया भर में. हां ये दुनिया भर में और वो जी देसी टच है वो उसका जो वो जो पूरी लॉजिक है वो ये है कि यू कटिंग डाउन कैलोरीज वे यू ओ यार इट्स अ मार्केटिंग मैं इसको जस्टिफाई कर रही हूं क्योंकि मैं करती हूं. इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी शुगर इनटेक सेम चीज शुगर जहाँ आप बचा सकते हैं वहाँ बचा लें. बस बेसिकली ये तो सवाल ये कि बचता है उससे डाइट से कोई फायदा होता है ये जीरो कैलोरी ड्रिंक मंगाने से जीरो ये जीरो कैलोरी. अब आगे बढ़ो कितनी मार्केटिंग क्यों कर रहे हो मुझे जे जे का फोन आ जाएगा आगे बढ़ो. हम सब्जियों पे सब्जियों से कोल्ड ड्रिंक पे पहुंच गए. नादिया का बच्चों को डांटना बच्चों को डांटना बच्चों को डांटना अगर कोई और मेरे बच्चों को कुछ कहे ओहो वो तो हर पेरेंट अब मैं जो मर्जी शेरनी जाग जाती है अंदर की. अगर कोई करीब से करीब रिश्ता ना हो नानी हो दादी हो अब्बू हो फादर हो मैं अगर मेरे और खैर नूर को तो कोई कुछ नहीं कहता. नूर क्योंकि जो तो है बेबी है 3 साल की है और वो सबकी जो है ना वो बॉस है बॉस है बॉस बिग बॉस. लेकिन मैं अगर मेरे बेटों को कोई कुछ कह दे या कोई ये कह दे या कोई क्रिटिसाइज कर ले या कोई उनकी कोई नुक्स निकालने की कोशिश करे हालांकि हैं होंगे ज़रूर मुझे वो बात अंदर से खलती है. यार वैसे आपस की बात है नादिया सारी माँ को खलती है पता है कुछ भी हो वो खुद मार लेंगे पकड़ के डंडे मार मार के हशर कर देंगी लेकिन दूसरों का कहना अच्छा नहीं लगता. दूसरों का चाहे बेचारों में खोट होगा भी ना इंसान है परफेक्ट तो नहीं है लेकिन आगे से फिर ये भी कहते हैं ना जैसे नानी ने डांट दिया या दादी ने डांट दिया कि भाई हम प्यार भी तो इतना करते हैं प्यार करते रहे आप किसी ने कह देना कि वो बाबर किसी एक बेटे का नाम लेके कि वो आजकल खाना बहुत बार का खा रहा है तो मुझे बस मतलब बिल्कुल सही और जायज बात तो अपने मियाँ की बातें खलती हैं अगर वो मेरे बच्चों को कुछ कह रहे हालांकि उसके भी बच्चे मेरी लड़ाइयाँ इसी एक चीज पे होती हैं. एक चीज पे हमारी लड़ाई होती है और मैं बातचीत करना बंद कर देती हूँ और ये चीज होती है कि अली और अली यही कहता है कि तुमने मेरी मेरी माँ की लड़ाई करवाई है तुमने अपनी माँ के साथ लड़ाई करवाई है और मैं कह रही हूँ आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं आप बच्चों और अभी अली का ये भी है मैं कहती हूँ बच्चे को ना बीच में लगा और 21 साल का हो गया वो बच्चा नहीं है अब उसको ना इन्वॉल्व कर रहे सारी माँ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती मेरे अगर कोई और वो और एक जमाना था हम कहते तो आने दो तुम्हारे अब्बू को बताऊंगी यस और लाइक अब अब्बू आ जाते हैं और जब बताते हैं तो अब्बू ही खल रहे होते हैं. मुझे बस मेरे बेटों को कोई डांट दे कोई बुरा स्कूल में कोई कुछ कह दे तो इस खलने का कोई आपने कोई तोड़ निकाला है
क्या निकाला है, सामने से हट जाती है, क्या वाकई में, वाकई में बहुत इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं, क्योंकि लोग बुरा भला कहेंगे उस वक्त. क्या होगा जब हमारी बहुएं आएंगी और वो कुछ कहेंगे, फिर हम कहीं छुप जाएंगे या हम बहुत जालिम सास से होंगे, हम क्या करेंगे? इतनी टिपिकल सास मुझे लग रहा है मैं. खैर नहीं, अल्लाह ना करे भाई, ऐसा नहीं होगा, अभी से नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं, मेरा नहीं ख्याल है. अगर मेरे बेटे ने मेरी बहू को रुलाया या तंग किया, मैं गिचड़ उड़ दूंगी उसकी लड़के की, मैं गिचड़ उड़ दूंगी, मैं नहीं, ये नहीं करूंगी बर्दाश्त. इसी बात पे मैं एक ब्रेक पे जा रही हूँ. अब हम सोचते हैं ब्रेक के दौरान कि हम कैसी सासें होंगे. चलो नादिया सोचते हैं. वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज की सुबह ऐसी, आई डोंट नो आप लोगों के लिए कैसी, लेकिन हमारे लिए ऐसी है कि एक एक वो नहीं होता कि दिल के बोझ हल्के हो रहे हैं और एक दूसरे से कोई ना कोई अच्छी बात सीख लेना. मेरे लिए तो ये सुबह ढाई घंटा ऐसा है. तो मैं तो आज वो धुल धुला के जाऊंगी. आज हमारी लाइफ कोच बैठी हुई है ना. हाँ, लाइफ कोच बैठी हुई. मुझे ऐसी डांट पिटनी है ना अपने वो बच्चों से. नहीं नहीं, मैं ले गई थी ब्रेक पे, मैं ले गई थी, फिक्र नहीं करें आप. अब किसकी वो है, किसका खलना है? और बेटा अंकल टीवी पे नहीं आ रहे. अंकल मेरा शो चल रही हो. अच्छा, हम टीवी नहीं देखते ना. अरे क्या सवाल था ये, क्या आग लगाने के लिए गया था आपने? मतलब या तो आप ये पूछ रहे बेटा क्या चल रहा है आजकल, सवाल यहाँ से स्टार्ट. आजकल टीवी पे नहीं आ रहे. अच्छा, आप टीवी देख ही नहीं रहे. अच्छा, मुझे भी बहुत खलता है. और शो चल रहा है अभी तक? अरे शर्मिंदगी होती है. मैं क्या अच्छा, मुझे सबसे, चलो ये भी बंदा अच्छी है उनकी. हाँ. वो नहीं देखती टीवी, समझ में आता है मुझे. जो सबसे ज्यादा इस एज में आके जो सवाल अब खलता है ना, वो ये होता है कि यार 24 में तुम काम शाम कर रहे हो, महीने के कितने कमा लेते हो? यार ये सवाल आज मेरे घर वालों ने नहीं पूछा मुझसे. इसके अलावा क्या करते हो? हाँ, ये भी होता है. अच्छा, मुझे तो ये बात खलती है कि कुछ आंटियां मिलती हैं, चलो आप मेरे बारे में पूछ लें, जो कोई सोशल मीडिया पे किसी और एक्ट्रेस एक्टर, किसी की शादी खत्म हुई, किसी की शादी हुई, मैं कोई फब्बे कुटनी हूँ, मुझे क्या पता कि क्यों हुई, कैसे हुई शादी, क्या हुआ, मुझे बिठा के टो लेते हैं सब. कभी कभार आप ना कहीं मॉल में जाए कुछ जाए तो कोई अंकल या कोई फैमिली पहचान जाते हैं ना, तो आपके आप भले फैमिली के साथ अकेले हो तो आपसे आगे पूछ रहे हैं, अच्छा आप यहाँ शॉपिंग करने आए और यार हम उनके साथ अगर है दोस्ती या क्रिकेट खेलते हैं तो वो थोड़ी 24 घंटे हमारे साथ घूम रहे होंगे यार, मॉल में थोड़ी मेरे साथ आएंगे. दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं. एक ये, जब आप बाजार में हो कहीं और कोई आता है, बड़ी अच्छी लगती है मुझे. क्या नाम है आपका? सही है, कुद्दूस, कुद्दूस मिर्जा या कुतुबुद्दीन. और मान भी जाते हैं. कहती हूँ मासूम लोग हैं. और एक और चीज, तो फिर बताओ इलेक्शन होएंगे? व्हाई आपको क्यों लगा कि, और अगर हो भी गया ना हुए, और डिफरेंट डज इट मेक? तो आप भी ऐसे जवाब दें, कहाँ पे कहाँ पे कौन कौन इलेक्शन है, कौन इलेक्शन कैसे इलेक्शन. यार मुझे एक स्टोरी सुना. एक अंकल मिले कमेंट में, दूर के कोई रिश्तेदार होंगे, मेरी कभी मुलाकात उनसे वैसे नहीं हुई थी. हाँ. बचपन में हुई होगी. मेरे पास की बेटा, और बेटा कैसे चल रहा काम, ये वो फलाटे, वो देख रहे तुम्हारा काम. यार मेरी बहन का बेटा भी ना 24 में आ गया. हाँ. बहुत ज़बरदस्त. मैंने कहा अच्छा. मैंने कहा अच्छा, मुझे ऑब्वियसली जब एक्टर से बात करें तो आपको लगता है यार एक्टर होगा या डायरेक्टर होगा. हाँ. आपकी रेंज यहीं तक जा रही होती है. मैंने कहा तो वो क्या करते हैं? कह रहा है वो वहाँ पे फला फला चैनल में, नाम नहीं लूंगा, वहाँ की लाइब्रेरी में ना वो जो कैसेट्स आती है ना उनको आर्काइव करने वाले लाइब्रेरी होते हैं, वो थे. आप यूट्यूब पे कोई भी किसी की भी कहानी डाल देगा, यानी कि नादिया जमील का एक कोई घर दिखा देगा, किसी शेख का घर होगा, वो करोड़पति घर,
तो वो लोग बिलीव कर लेते हैं, बेचारे इतने भोले होते हैं। और मैं ऐसी वीडियोस देख जो मेरे बारे में डाली, मैं वीडियो देखते हुए आमीन आमीन कर रहा होता हूँ। हाँ, मेरे बेटे का किसी ने दुल्हा बना हुआ है कि मुंह वो लगा दिया और मुझसे आंटियां मिली, अरे शादी कर दी बेटे की तुमने, अरे शादी कर दी, नहीं की, अल्लाह इतना छोटा अभी, मैं कहाँ से शादी करूंगी, कुछ कमाता खाता नहीं, मैं कैसे शादी करूंगी। कुछ भी चीज आ जाए ना सोशल मीडिया पे, यकीन कर लेते हैं लोग, और वो यूट्यूब चैनल्स खलते हैं मुझे। या सीरियस, तो अब तो हमारे यहाँ पे खैर सोशल मीडिया ऑल टुगेदर, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें ज़रूरत है बहसीत कौम, क्योंकि देखो सेंसरशिप तो नहीं आ सकती। सीरियस नहीं हुआ करो भाई, सेंसरशिप तो नहीं, डर लगने लगता। नहीं, मैं बता रहा हूँ सेंसरशिप तो नहीं आ सकती, लेकिन खुदा रहा, अब यार अभी रेलेवेंट बात कर लेते ना भाई, अगर शुएब मलिक ने शादी कर दी, तस्वीर लगा दी, यार पूरा 24 घंटा इस कॉम की यूथ ने ना उस पर जाया कि अरे दूसरी शादी कर ली, हमारी पहले नहीं हो रही, उसकी दूसरी हो गई, मतलब इतनी मीम्स, इतनी मीम्स यार भाई, अरे मेरे पर कर लिए तो कर लिए, क्या निदा यासिर बुलाएगी सना और शोएब को, तो पता चलेगा असल कहानी, भाई मेरा क्या कसूर, असल मामला था क्या, हाँ मतलब हेलो, शादी करना एक अच्छी चीज है भाई, कर ली तो अच्छी बात है, लोगों का आगे बढ़े भाई, लोगों के वैसे विलेपन पे, यस यस, ना जीते हैं ना जीने देते हैं यार हमें ना, अब ये चलो आगे खलने पे शुरू, अच्छा, करते ना इस टॉपिक को खत्म करो, फिर मुझे फोन आ जाएगा, मेरे सब दोस्त हैं गैस का बिल। अच्छा मेरे साथ ये हुआ लास्ट ईयर, कहाँ से गैस के बिल पर, बिजली के बिल से भी ज्यादा आ गया नहीं, हाँ हालांकि गैस मैं थी इस्लामाबाद में शूट कर रही थी, तो मेरी बहन का फोन आया कि सुनो तुम्हारा गैस का बिल 60,000 रुपीज आया। मैंने कहा इतना तो मेरा गर्मियों में भी बिजली का नहीं आता, 60, और गैस तो है ही नहीं, तो बिल कहाँ से आ गया 60,000 का। भाई मैं गई उनके ऑफिस में, उन्होंने कहा नहीं तो आपको पे करना पड़ेगा, गैस लीक हो रही थी आपकी। जब गैस ही नहीं आ रही तो लीक कहाँ से कर रही थी, वो गैस थी नहीं, लेकिन मीटर चल रहा था उनका, चल रहा था, देयर वाज नो गैस एंड आई हैड टू पे, वो फिर मैंने इंस्टॉलमेंट्स कराए, उसके बाद हर महीने आपके, क्योंकि मीटर नहीं चल रहा, क्योंकि गैस नहीं आ रही है, वो मीटर नया लगवाया, तो स्लो मीटर चार्जेस हर महीने 1,000 रुपये मेरे स्लो मीटर चार्जेस लग के आ जाते हैं कि आपका मीटर स्लो क्यों चल रहा है, उसका फाइन है। भाई जब आप गैस ही नहीं दे रहे हैं है, तो मैं स्लो मीटर चार्जेस ही दूंगी ना, और फिर मतलब स्लो मीटर चार्जेस क्यों लगा रहे हैं, डू यू नॉट नो कि हमारे यहाँ गैस नहीं आ रही। तो ये गैस का बिल जो है ना आजकल मुझे समझ नहीं आ रहा, गैस ना होते हुए मेरे 1,500, 2,000, 3,000 आप भी खलते रहे, सबर करें, सबर सबर, एक अंकल का लाख रुपए का गैस का बिल आ गया, वो चले गए, भाई क्या हो गया यार, 2,000 का कनेक्शन मेरे घर से दे रहे हो गए तुम लोग, इतनी गैस जा रही है, 2,000 का कनेक्शन मेरे घर से, लेकिन वाकई में गैस है ही नहीं तो बिल क्यों आ रहे, इनको तो बिल भेजने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि हमारे एरिया में तो गैस है ही नहीं, आती ही नहीं है, सुबह 6 से 8 तक 2 घंटे हम इस बात पर खलते रहते हैं, क्योंकि ये खलना खत्म नहीं होगा, लेकिन शो का टाइम खत्म हो गया। रियली यस, पता ही नहीं चला, ये शो मुझे और चाहिए, लेकिन ये मेरे अभी तो बहुत बातें बची हुई थी, इतने मैंने लिखकर खत्म करने के बाद कर लेते हैं, हमारा पूरा दिन पड़ा। आप ये बताएं शोएब और सानिया, आज हम नादिया को कहीं नहीं जाने देंगे, बहुत बातें कर रहे हैं, चले डन है, ये क्या इसने किया, और जल्दी पूछे दोबारा, दोबारा नहीं पूछे। अच्छा ये जो लोग जब याजूज माजूज आएंगे तो आप उनको भी शो, अच्छा हम खुदाफिस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे गेस्ट हैं जो जिनकी लगाम मेरे हाथ में नहीं है, सो इससे पहले कुछ और निकले और वायरल हो, मुझे वायरल नहीं होना अभी, जो दो वायरल हैं उनको होने दो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदाफिस।